अलैकुम जी। आई होप कि लास्ट क्लास आप लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी रिगार्डिंग डिजाइन डिजाइन बेसिक प्रेजेंटेशन अबाउट व्हाट डिजाइन एग्जैक्टली इज एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट डिजाइन। तो ये बेसिकली कुछ चीजें ऐसी जरूरी हैं जिनको डिजाइन में हम एज ए जनरल वोकैबुलरी यूज करते हैं। बताने का इन सब चीजों का मकसद ये था क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा जो क्लास है वो डायरेक्टली रिलेवेंट टू द फिग्मा है। लेकिन ये कि उस फिग्मा को ड्राइव करने से पहले हम चंद चीजों की मालूमात जो है वो जानना जरूरी समझते हैं। मैं पर्सनली इस चीज को देखता हूँ कि क्योंकि इस वक्त वेरियस मार्केट में जो है वो टूल्स अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द यूआई यूएक्स इम्प्लीमेंटेशन एंड यूएक्स ड्राइंग, तो उस लिहाज से थोड़ा सा चीजें ये, लेकिन हम चूंकि जो बेसिक मकसद है फिग्मा का कि हम फिग्मा क्यों यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा डिजाइन को देखना जरूरी था। तो लास्ट हमने प्रेजेंटेशन में ये चीजें डिस्कस की थी। अच्छा, इन सब कॉन्सेप्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जनरल वोकैबुलरी जैसे डिजाइन जैसे लैंग्वेज की वोकैबुलरी यूज करते हैं, वैनलिव जो वर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्फाबेट्स सब चीजें, इसी तरह से डिजाइन के भी अपने ही कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कन्वेंशन हैं, कुछ ग्रामर्स हैं, कुछ वोकैबुलरी है। उन चीजों को हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा एक जस्ट ओवरव्यू किया था। ये कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन, डिजाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है। कंपोनेंट्स इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स को यूज करके हम कंपोजिशन जनरेट करते हैं और कंपोजिशन से हम एक पूरा कॉन्सेप्ट हम जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं या हम टारगेट ऑडियंस के सामने रखते हैं। हमारा बेसिक मकसद जो होता है, हमारा बेसिक जो आइडिया सेंट्रल आइडिया जो होता है, कॉन्सेप्ट से बेस करता है कि कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या चीजें जरूरी है, जिसमें कन्वीनियंस है, थीम, प्रोसेस एवैल्यूएशन, यही स्टैंडर्डाइज्ड रूल है तमाम के तमाम डिजाइन डिसिप्लिन्स के। अच्छा, ये सिर्फ रेलेवेंट टू यूआई यूएक्स नहीं है, ये जनरल डिजाइन के सारे जो है वो कन्वेंशन है, चाहे आप आर्किटेक्चुरल डिजाइन हो जाए, चाहे इंडस्ट्रियल डिजाइन हो जाए, चाहे प्रोडक्ट डिजाइन हो जाए, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन हो जाए, उन सब चीजों में ये चीजें जानना जरूरी है। कन्वीनियंस से है कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो कितना कन्वीनियंट है टुवर्ड्स द बिजनेस और टुवर्ड्स द टारगेट ऑडियंस। यानी कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, वो क्लाइंट जो है वो आपको एक जनरल आइडिया देता है, तो सबसे पहले आपके जहन में ये चीज होती है, निर्णय मॉडल होता है कि वो प्रोडक्ट कितना कन्वीनियंट है टुवर्ड्स द बिजनेस मॉडल, वो जो बिजनेस मॉडल है उससे क्या कंट्रास्ट तो नहीं करता। ये मैं बिल्कुल जनरल आपको एक ओवरव्यू भी बता रहा हूँ, उसका डिटेल अगर हम इंशाल्लाह हमारे पास टाइम मिला, क्योंकि हमारा फोकस जो है टोटल फिग्मा पर, तो मैं जल्द से फिग्मा पर स्विच करना चाहूंगा। लेकिन ये चंद चीज ऐसी है कि जब आप फिग्मा को यूज करते हो तो बिहाइंड द सीन आपके माइंड में कुछ हो जिसको आप यूज करते हैं, तो फिग्मा से आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वीनियंस बेसिकली होता यही है कि आपका जो इसको जनरल परसेप्शन में, अगर आप जनरल इसका परसेप्शन ये है कि आप टारगेट और बिजनेस मॉडल का देखते हैं और आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट आती है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है तो आप उसको देखते हैं कि वो रेलेवेंट प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना कन्वीनियंट है टूवर्ड्स द टारगेट ऑडियंस, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ता तो नहीं है, बहुत लग्जरी है, किस तरह का है, कितना कौन सी मार्केट को टच करता है, और ये मार्केट जो है क्या वो बिजनेस मॉडल जो है वो उसका हिट उसको जो उसका जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस मॉडल के साथ कन्वीट है कि नहीं है। फिर थीम, अगेन थीम वही होती है कि आप थीम जो है किस थीम पे बेस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है बट ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, तो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स की क्या अपनी जो है लेजिटिमेट पैराडाइज है जिनको हम जो है फॉलो करना जरूरी है। अगर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लग्जरी और बहुत ज़्यादा ऐसे आइटम पे बेस करेगा कि जो मैच नहीं करता आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ, तो अगेन वही कंट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेसेस जो होते हैं, प्रोसेस बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, ताकि हम वो कॉन्सेप्ट को जो है फिजिकल मॉडल में शिफ्ट कर सकें। एंड में लास्ट में इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं, यानी जब उसका प्रोटोटाइपिंग हो जाती है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसकी प्रोटोटाइपिंग की जो है इवैल्यूएशन होती है, वो बाय यूजर टेस्टिंग होती है, और वो तमाम के तमाम जो जो आपके बिजनेस के जितने भी जो पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वो इवैल्यूएट होता है, फिर उसकी इवैल्यूएशन भी
एक पूरा एक एरिया होता है जिसको हम कवर करते हैं, वो बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में टेस्टिंग का मॉडल आता है। तो ये सब चीजें जो है ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। कंपोनेंट्स इज ऑल अबाउट व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो टूल सबसे मैंने टॉप पर रखा है, टूल इज अ बेसिकली द ग्रुप ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच कवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, जैसे लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, वैल्यूज, टेक्सचर, साइज, इमेज, टाइपोग्राफी। ये सब चीजें हम बनाते कहाँ हैं? ये हम स्केचबुक पे भी बना सकते हैं, ये हम प्लेन पेपर भी बना सकते हैं, ये नैपकिन पेपर भी बना सकते हैं, और इसके कुछ डिजिटल टूल्स होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम टूल्स के तौर पर मैंने इस्तेमाल किया है, उसमें सब चीजों में चीजें बनाई जा सकती है। लाइन शेप की अपनी वोकैबुलरी है, जैसे लाइन जो है वो क्या है, जनरली हम एक लाइन खींचते हैं, बट लाइन इज अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब कोई दो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी आप जब ट्रैवल करते हैं इज कॉल्ड लाइन। जब शेप जो है इज ऑल अबाउट व्हेन लाइन इज इनक्लोज विद ईच अदर, जब आपको कोई भी लाइन जो होती है वो एक क्लोज शेप, एक क्लोज फॉर्म प्रोड्यूस, क्लोज एरिया प्रोड्यूस करता है, उसको हम शेप के फॉर्म में कहते हैं। वो शेप कुछ भी हो सकता है। फिर फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स इज अ डायमेंशनल, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट, जब आप जी एक्सिस इंट्रोड्यूस करते हैं, जब उसमें कोई डायमेंशन आती है, 3D का एलिमेंट आता है, तो हम उसको फॉर्म्स कहते हैं। कलर्स एंड वैल्यूज, किसी भी शेप का या फॉर्म का कलर क्या है, उस कलर की इंटेंसिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो चीजें जानना जरूरी होती है। टेक्सचर्स इज ऑल अबाउट टेक्सचर्स, आप यानी कोई भी अगर कोई भी शेप या कोई भी फॉर्म है, उस फॉर्म का टेक्सचर क्या है। अगर सपोज एक शेप है उसमें से प्लेन रेड कलर है, तो रेड कलर या ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर से एक 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 खास एक शेप बना हुआ, उसमें फ्लैट एक कलर बना हुआ, बट अगर उसमें हम वुडी टेक्सचर देना शुरू करते हैं या वुड ग्रेन्स देना शुरू करते हैं, तो दैट बिकम्स अ टेक्सचर ऑफ द शेप, तो वो वुडी एक टेक्सचर है। इसी तरह से अगर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दे दें, अगर रिफ्लेक्शन देते हैं तो वो मेटल का सब्जेक्ट हो जाता है, मेटल का फॉर्म कर जाता है, फिर वो उसमें अगर रिफ्रैक्शन भी इंट्रोड्यूस करा दें तो वो ग्लास का शेप देना शुरू कर देता है या ग्लासी एरियाज देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो टेक्सचर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन। साइज, साइज और रेलेवेंट टू विद ईच अदर, साइज इंडिपेंडेंट, साइज को कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंटली साइज मैटर नहीं करता, साइज टूवर्ड्स वॉट ये मैटर करता है। यानी कोई भी अगर कैनवस है, उस कैनवस में अगर आप कोई एक शेप ड्रॉ कर देते हैं तो हम उस शेप को जनरल एक्सक्यूज मी सर, जी सर आप आपने अभी स्लाइड शेयर की हुई है या नहीं? जी जी मैंने की हुई शेप, अच्छा इधर शो नहीं हो रही। या ये बग कुछ आ रहा है मेरे पास, एक मिनट में दोबारा करूँ आपको भी शेयर। ठीक है, अब हो गया? जी सर शेयर हो गई। अच्छा सही, सॉरी जी, ये जरा सा मैक के थोड़े अपडेट्स में जरा कुछ बक्सा आया हुआ, शेयर स्क्रीन बाजू पर तो पता चल। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिलेवेंट टुवर्ड्स द डिजाइन एलिमेंट्स। हम कन्वीनियंस देखें, थीम देखें, प्रोसेसेस देखें, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। टूल्स एंड लाइन शेप, फॉर्म्स, फॉर्म्स को हम देखते हैं कि फॉर्म्स इज डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, कलर्स एंड वैल्यूज, टेक्सचर्स, साइज इज ऑल रेलेवेंट टुवर्ड्स। अब जब मैं साइज की बात कर रहा था, किसी भी कैनवास का अगर एक ऑब्जेक्ट सिंगल है तो उसका साइज जो है वो इटसेल्फ हम उसको जज नहीं कर सकते कि साइज रेलेवेंट टू व्हाट। हम साइज का क्या देखते हैं कि वो बिग है, लार्ज है, वो स्मॉल है, या तो हम उस साइज शेप को जो है वो एक हम उसको जो है वो कैनवस के प्रोपोर्शन में नापेंगे कि कैनवस से में शेप कितना बड़ा है, या फिर कोई और शेप उसमें इंट्रोड्यूस होता है तो हम उस शेप के साथ हम उसको रेलेवेंट करते हैं कि वो साइज दो शेप्स का क्या साइज है। सो दीज आर द थिंग्स, उसमें फिर बैलेंसेस और उसमें फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं। जैसे बैलेंस है और बैलेंस को डिस्कस करता है, तो बैलेंस इज ऑल अबाउट कि कोई शेप अगर सिमेट्रिकल बैलेंस है, एसिमेट्रिकल बैलेंस है, ये सारी डिटेल्स हैं। तो लेकिन जनरल आइडिया देने के लिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का, क्योंकि हम जब भी फिग्मा, इवन अगर फिग्मा में भी कोई चीज़ यूज करते हैं तो हम इन चीज़ों को ही यूज करेंगे, इन चीज़ों से हम बाहर नहीं जा सकते। लाइन एंड शेप्स, फॉर्म्स, कलर वैल्यू, टेक्सचर, साइज, इमेजेस एंड टोपोग्राफी, यही चीजें जनरली 99% यूज होती हैं। बाकी सारी एलिमेंट्स हैं वो इन्हीं के डेकोरेटिव फॉर्म्स हैं या इन्हीं के ही मर्जर से या इनके ग्रुप एलिमेंट से प्रोड्यूस करके एक एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। तो लाइन शेप्स, फॉर्म, कलर वैल्यू, टेक्सचर, साइज, इमेजेस एंड टोपोग्राफी, इन चीजों को आपको जहन में रखना है, क्योंकि हम इन्हीं चीजों को यूज करके पूरी यूआई यूएक्स का मॉडल बनाते हैं।
अच्छा ये तो एलिमेंट्स हो गए आपके, कंपोजिशन इन्हीं एलिमेंट्स को हम कंपोज करते हैं, जैसे प्लेसमेंट एंड डिवीजन। कोई भी शेप अगर प्लेस होता है, कहाँ प्लेस हुआ हुआ है, सपोज अगर ये मैं पूरा पूरा कैनवस है स्क्रीन पे, अगर शेप टॉप राइट पे हुआ हुआ है, बॉटम लेफ्ट पे हुआ हुआ है, टॉप लेफ्ट पे हुआ हुआ है, बॉटम राइट पे हुआ हुआ है, जनरली इंग्लिश रीडिंग जो होती है आपकी, वो जो स्कैनिंग लाइंस होती है वो फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, यानी कोई भी चीज अगर आप यू ड्रॉ होती है, यानी इंग्लिश हम बेसिकली इन इस तरह से लाइंस में हम ड्रॉ करते हैं, तो वो राइट पे जाके खत्म होता है। तो जब भी स्टार्टिंग एरिया होता है वो कैनवस का, वो ये होता है जनरली, और जो लिविंग एरिया होता है वो ये होता है। बट जब हम डिजाइन एलिमेंट्स को यूज करते हैं तो हम इस चीज को ऑल्टर कर सकते हैं टुवर्ड्स द ऑप्टिकल इल्यूजन, या कोई भी हम ऑप्टिकली किसी भी चीज की प्लेसमेंट हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा और शेप यहाँ पे बड़ा शेप रखा है, तो डेफिनेटली आई मूव यहीं पर करेगी। हालांकि थोड़ी देर के लिए यहाँ से हमारी जनरल आदत है कि हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन हमारी आई मूव करेगी। और फिर उसके बाद अगर उस शेप से थोड़ा सा छोटा शेप यहाँ पे करें, यहाँ पे रख देते हैं, तो फिर डेफिनेटली आई मूव यहाँ करेगी और फिर रिपीट कर जाएगी। तो ये हम डिजाइन एलिमेंट्स के साथ हम बेसिकली प्ले करते हैं। डिविजन इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग द एलिमेंट्स। हम कोई भी कैनवस को भी डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर कैनवस जो है मेरा पूरा फुल एक स्क्रीन है, स्क्रीन का एक कैनवस है पूरा। इस कैनवस को अगर मैं बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर देता हूँ, तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड हुए में, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट का वेट एक जैसा है, यानी लेफ्ट और राइट जो भी कैनवस है, कैनवस में जो लेफ्ट है और राइट है उसका वेट एक जैसा है और वो दोनों बराबर बराबर है। लेकिन अगर मैं इस कैनवस में, मिसाल के तौर पर कैनवस मैंने डिवाइड किया है बीच में से, और मैं इस कैनवस में यहाँ पे कुछ शेप ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब इस कैनवस का वेट बढ़ जाता है, और ये कैनवस चूंकि एम्प्टी है तो इसका वेट इतना ज्यादा नहीं है। अगर इधर ही मैं एक छोटा सा शेप बना दूँ या छोटा सा पॉइंट बना दूँ, तो इसके शेप इस ये एरिया फिल तो हो जाता है, लेकिन रेलेवेंट टू दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंट टू दिस एरिया, ये एरिया जो है ये हमारा ज्यादा हैवी है और ये एरिया थोड़ा कम है। तो दिस इज कॉल्ड डिविजन, कि हम एरिया को किस तरह से डिवाइड करते हैं। ये हम कैनवस को भी डिवाइड कर सकते हैं, ये हम शेप्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, तमाम एलिमेंट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, ये हम ऑप्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चीज विजुअली हमें डिवाइड करनी है, जैसे रूल ऑफ थर्ड कहला जाता है हमेशा फोटोग्राफी में, तो वो एक बाकायदा रूल ऑफ थर्ड होता है कि आपके किस तरह से कॉम्पोजिशन को कहाँ पे रखें, तो वो जनरली जो है वो प्लीजिंग टू आई होती है। ग्रुपिंग इज ऑल अबाउट ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी ग्रुप्स हैं मिसाल के तौर पर, अब वो ग्रुप्स मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रुप ऑफ साइज, ग्रुप ऑफ शेप्स, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ कलर्स। तो इसकी छोटी सी एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, तो वो ये हो सकती है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने, मेरा ये स्टेज पूरा कैनवस है, इस कैनवस पे मैंने स्क्वायर एक 10 स्क्वायर्स मैंने बना दिए और 3 ट्राइंगल्स मैंने बना दिए। तो 3 ट्राइंगल्स आर इन अ सेम ग्रुप एंड 10 4 स्क्वायर्स आर इन 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 अ डिफरेंट ग्रुप। तो स्क्वायर्स यानी दिस इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ शेप्स। ठीक है, अब अगर उन्हें 10 शेप्स में मैंने 3 शेप्स के कलर रेड कर दिए और उन 3 ट्राइंगल्स में से मैंने 1 ट्राइंगल कलर रेड कर दिया, तो अब वो 1 ट्राइंगल और 3 स्क्वायर जो है, दिस इज द ग्रुप ऑफ कलर और वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुपिंग को डिवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंट चीजों की ग्रुपिंग थी। अच्छा, इन सब चीजों का हमारे जर्नल, हमारे क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे ये जो सारे वो टूल्स हैं कि जिससे हम प्ले करते हैं यूजर के माइंड से, कि हम डिजाइन को कैसे इम्फोसिस देना है, कहाँ पे इम्फोसिस देना है, कितना ज्यादा देना है, कितना कम देना है, ये टोटली डेलिबरेट डिसीजन होती हैं। कि हम जब भी डिजाइन को यूज करते हैं तो हम उस डिजाइन के परस्पेक्टिव से हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल डेलिबरेट डिसीजन। ठीक है, ग्रुपिंग हारमोनी, हारमोनी किसी भी चीज के बीच में कितनी हारमोनी है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर 20 एंगल पर टिल्ट हुआ हुआ है, फिर मजीद 20 एंगल पर टिल्ट हुआ है, फिर मजीद 20 एंगल पर टिल्ट हुआ है, तो दैट बिकम्स वो स्क्वायर, एक स्क्वायर स्टार्टिंग और एक एंडिंग स्क्वायर जो है वो हमेशा इक्वल होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा करके कुछ, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चल आगे थोड़ा चल के तब हम फिगमा के टूल्स एक्सप्लोर कर लेंगे। तो हारमनी इज एक, कोई भी चीज रिदमेटिक है, यानी कोई भी चीज जो है वो स्मूथली ड्रिवन है, चीज फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 10, स्टेप 1 टू स्टेप 14, तो वो चीज जो है वो हारमनी में आती है। इम्फेसिस, अगेन इम्फेसिस का इम्प्लीमेंट क्या होता है, कि इम्फेसिस इज ऑल अबाउट कि हम किसी भी चीज को इम्फेसाइज कैसे करते हैं। अब इम्फेसाइज के लिए
हमारे पास मल्टीपल पैटर्न थे, इन सब चीजों के हमारे पास मल्टीपल पैटर्न है। जितने पैटर्न्स हम जानते हैं और जितने पैटर्न्स को जितना अच्छा हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम डिजाइन के साथ फ्रीक्वेंट हम एक्वेंटेड होते जाते हैं, उतना ही हम अच्छा डिजाइन प्रोड्यूस करते हैं। इट्स ऑल अबाउट इट्स टोटली एक्सपीरियंस कि आप कितना ज्यादा इनको रिगरसली उसको अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब डिजाइन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं आपको एज अ लैंग्वेज के तौर पर बता रहा हूँ कि हम लैंग्वेज की, अगर आप अगेन लैंग्वेज का रोल मॉडल देखें तो लैंग्वेज में भी हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर हम बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, उन सब चीजों का हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, जैसे रूल्स ऑफ ग्रामर्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, उन सब चीजों को की इम्प्लीमेंटेशन से कॉम्पोजिशन ऑफ एक सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये चीजें सारी के सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स करती हैं। अच्छा, इम्फेसिस का वे वो है बेसिकली किसी भी चीज पे यूजर की आय को इम्फेसाइज करना, यानी यूजर की आय फॉरन ट्रेवल करे उस चीज के ऊपर। तो वो जो है वो बेसिकली ये आपका जो जैसे ये आपका प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड एम्फेसिस। फॉर एग्जांपल, अगर कैनवस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पे छोटा सा सर्कल है जो कि रेड है, बड़ा ब्राइटिंग कंट्रास्ट रेड कलर है ऑन द बैकग्राउंड ऑफ व्हाइट, तो वो जो रेड कलर का डॉट है वो ज्यादा इम्फेसाइज होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं उस रेड कलर से बड़ा एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो वो उसी सेम कलर में, तो वो इम्फेसाइज ज्यादा होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बड़ा शेप है तो इम्फेसाइज होगा, छोटा शेप है तो इम्फेसाइज कम होगा। अगर मैं इस शेप यानी इतना बड़ा मैंने शेप अगर ड्रॉ किया है और मैं कलर वैल्यू से प्ले करूं और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर दूं, यानी रेड को बिल्कुल ले जाऊं व्हाइट की तरफ और ये फुल कंट्रास्टी हो, तो अगेन शेप बड़ा है लेकिन चूंकि वैल्यूज चेंज है तो ये ज्यादा इम्फेसिस नहीं होगा, बल्कि इम्फेसिस यहाँ पे वही छोटा रेड हो जाएगा, रेड कलर का सर्कल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैं यूजर की आई से डेलिबरेट मूव कर रहा हूँ, शेप यहाँ पे बड़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले नजर छोटे सर्कल पे जाए, तो मैं सर्कल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द प्लेइंग विद आई। अच्छा, इम्फेसिस अगेन, हम इम्फेसिस कैसे करते हैं, अब जरूरी नहीं कि हम सिर्फ शेप से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक जैसे डिसिप्लिन कहलाता है, जैसे हम कहते हैं इनोमली, किसी भी चीज को अगर इनोमली अगर प्रोड्यूस करें तो वो इम्फेसाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने 10 पेंसिल्स रखूं कैनवस पे, 10 पेंसिल्स रखेंगे, 10 की 10 आपके सामने पड़ी हुई, तो मैं आपको कहूंगा यार इन 10 पेंसिल्स में से आपकी नजर किस पे जा रही है, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन आएंगे, डिफरेंट उसके उसके फैक्टर काउंट होंगे कि मेरा इस फलाने पे जा रही है, मेरे फलाने पे जा रही है, डिफरेंट, बट कॉन्स्टेंट डेफिनेशन नहीं होगी। अच्छा, यही 10 पेंसिल में से मैं कोई भी पेंसिल लेके उसका रुख उल्टा कर दूं, यानी जो अगर वो पॉइंट ऊपर की तरफ था, मैं उसकी पॉइंट नीचे की तरफ कर दिया, तो अब उन 10 पेंसिलों में से डायरेक्ट एम्फेसिस जो है उस पेंसिल पर जाएगा जो कि एनोमली है, जो कि आपकी हारमोनी को, यानी जो हारमोनी बनी हुई है लाइन पेंसिल्स की, उस हारमोनी को ब्रेक कर रही है। यानी इस प्रिंसिपल को आपका जो एम्फेसिस करने एम्फेसिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हैं। यानी लाइन से हमारे पास पेंसिल है, एक पेंसिल होती है, तो हारमोनियम पे ब्रेक कर दी, उससे उसके नतीजे में क्या निकला, हमें एम्फेसिस मिला। ठीक है, अलाइनमेंट अगेन ये एक अलग प्रिंसिपल है कि हम कैसे अलाइन करते हैं शेप्स को, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, टॉप बॉटम वगैरह, इन सब अलाइनमेंट से भी हम प्ले कर सकते हैं। बेसिक मकसद ये होता है कि आप डेलिबरेट डिसीजंस लें कि कौन कौन से शेप्स को कहाँ कहाँ प्लेस करके क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो, अच्छा ये सब चीजें आपस में मिलजुल के भी पूरा लेआउट बनाती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रिंसिपल को लेकर आप चले, बल्कि इनके मल्टीपल प्लेइंग से आप एक पूरा लेआउट प्रोड्यूस कर सकते हैं, पूरा डिजाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है अगेन कि वो सिर्फ डिजिटल आपके प्रोडक्ट हो, यानी आपके सामने सिर्फ स्क्रीन हो या UI हो या UX हो, ये क्या कहते हैं आप, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी अगर आप लेट्स सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं, अब चूंकि अब ज्यादा दौर जो है वो ये आ गया है कि अब आपकी जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं, जो कि अब गूगल का अपना वॉइस असिस्टेंट है, एप्पल का सीरी है, तो उसका कोई UI UX एज सच नहीं है, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं उसकी जो सारी के सारी जो जो एक्सपीरियंस है, दिस इज इट्स एन एप्लीकेशन,
हम उसमें भी ये सारी डिसिप्लिन को यूज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोगों ने रेज हैंड किए हैं, क्या मैं क्वेश्चंस का आंसर अभी दूं या बाद में दे दूं आपके? अगर आप बोले तो फिर मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। अभी एक ने हैंड रेस किया है। अच्छा, आप कर दें उससे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जरा रियल टाइम भी क्वेश्चन अगर आंसर सेशन होता तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो जिस जिसको क्वेश्चन है वो अपना रेज हैंड कर ले। क्योंकि यहां तक चीजें समझना जरूरी है बेसिकली। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर अभी तक जो आप समझा रहे हैं समझ तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी सर आप वोकैबुलरी हाई लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कुछ दो चार दोस्त बैठे हैं तो कह रहे हैं ऊपर से गुजर रहा है। असल में थोड़ा सा आप वोकैबुलरी अगर बेसिक पर्सन के लिए भी अगर लेवल की इस्तेमाल करें तो इट इज़ गुड फॉर अस। थैंक यू। चलें। अच्छा जी, माजरत, मैं विकैबलरी थोड़ी सी, मैं कोशिश करता हूँ कि इतना ज्यादा इजी से इशू हो सके। देखिए, इस चीज को समराइज करना जरूरी इस सेंस में है कि आपके जहन में, मेरा मकसद सिर्फ ये है बताने का कि डिजाइन को आप डेलिबरेट डिसीजंस लेके कोई भी चीज डिजाइन करें, यानी डिजाइन को आप ऐसे कोई भी चीज को बाकायदा आपकी सोच उसके पीछे इन्वॉल्व हो, ना कि ये कि जनरल एक मरवजा रूल है पाकिस्तान में कि आपने इन्वेंटो पे गए या क्रिएटिव मार्केटप्लेस पे गए, वहां पर टेम्पलेट उठाई, टेम्पलेट बड़ी अच्छी सी नजर आई, उस टेम्पलेट के कलर चेंज किए, उसमें इमेजेस ऐड की और वो अपना एक लेआउट बना, तो बोले देखिए जी मैंने डिजाइन किया है। दिस इज नॉट डिजाइन, दिस इज बेसिकली नॉट एग्जैक्टली, आप एक चीज जो है वो कॉपी कर रहे हैं इस चीज से। तो बताने का मकसद ये कि ये सारी चीजें हम यूज करेंगे इन फ्यूचर ना, अगर जब हम यूज करेंगे, जब हम लेआउट बना रहे होंगे। मैंने अगेन आप लोगों के साथ अभी जो लास्ट सेमिनार में भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, कोई जी है सवाल? जी सर, बोलिए। वालेकुम सर, सलाम। सैयद अरशद अली वाचा बात करूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है सर। डिजाइनिंग में मैं सर ये पूछना चाहता था कि एक तो मैंने तीन सवाल है कि एफिसेस, अलाइनमेंट और फ्लो, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब है फ्लो क्या, हम जो एक सिस्टम बनाते थे पहले, हम इसकी डिजाइन कर देते थे कि एक डीएफटी बना देते, तो क्या ये वो फ्लो की बात कर रहा है? अच्छा, दूसरा सवाल था आपका। दूसरा सर ये मेरा ये सवाल था कि ये एफिसेस अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस एम्फेसिस और अलाइनमेंट में। है? अच्छा जी जी ठीक है, सर, बस यही सवाल था। ठीक सर है, बस, थैंक यू सर। अच्छा जी, देखिए एम्फेसिस कहते हैं हम किसी भी चीज को इम्फेसाइज करना। इम्फेसाइज करने का मतलब है कि यूजर की आंख पे हम डिवाइड करते हैं, हम एक डेलिबरेट डिसीजन। देखिए होता क्या है कि हम एक यूजर से, वो भी यूआई हो, यूजर इंटरफेस हो, या कोई भी एप्लीकेशन हो, हम उससे चाहते हैं कि यूजर की नजर सबसे पहले किस जगह पे जाए, नंबर वन पे जाए, नंबर टू पे उसके बाद जाए, नंबर थ्री पे उसके बाद जाए, नंबर फोर पे उसके बाद जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं कह रहा हूँ, नंबर वन एरिया पे पहले जाए, मतलब ये कि नंबर एरिया वन एरिया सबसे ज्यादा इम्फेसाइज होना चाहिए। नंबर टू पे जाए, नंबर टू जो है नंबर वन से कम इम्फेसाइज होना चाहिए। ठीक है, अब ये नंबर वन नंबर टू जरूरी नहीं है कि ये टॉप बॉटम वगैरह पे हो, ठीक है ना। किन चीजों से प्ले करके हम यूजर की आंख को मूव कराते हैं, वो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं इम्फेसिस। ठीक है, अलाइन का होता है, अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट होती है बिटवीन टू शेप्स, टू ऑब्जेक्ट्स एंड टू एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये आइकन्स हैं, इन आइकन्स के नीचे टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इस शेप के सेंटर अलाइन है, ये टेक्स्ट इस शेप के सेंटर अलाइन है। ठीक है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं अगर आप देखें। अच्छा, ये पूरा एक नेविगेशनल बार जो है ये इस कैनवस के मेरे सेंटर अलाइन। ठीक है, तो होता क्या है कि एक हार्मनी सर, प्रोड्यूस होती है। जी, अच्छा सर, अभी आप दूसरी स्क्रीन पर है, मतलब स्लाइड से दूसरी वाले पे। चलें नहीं, फर्स्ट स्क्रीन पे, फर्स्ट स्क्रीन पे ठीक आगे। है। ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों को देखना जरूरी है। एम्फेसिस कहते हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रीन हाइलाइटेड हो रहा है, मेरा वॉइस जो है वो मेरी वॉइस सिंथेसाइज कर रहा है, मेरा वॉइस के अलग जो बार ग्राफर्स को उसको शो कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ग्रीन ऑब्जेक्ट, दिस इज द शेयर स्क्रीन, अगर आपको नजर आ रही है तो
शेयर स्क्रीन इज बेसिकली द मेन एलिमेंट के वो ज्यादा एम्फेसाइज है, उसके बाद सेकेंड एम्फेसिस जो है मेरे इस पे जा रहा है, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो इनकी नस्बत जरा से कम है। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि सबसे पहले फोकस जाना किसी जगह, आपकी आंख को प्ले करना ताकि आंख सबसे पहले कहाँ जाती है। तो जैसे क्योंकि हमारा सारे का सारा विजुअल लैंग्वेज है, हम यूजर से विजुअली कम्युनिकेट करते हैं, विजुअली बात कर रहे होते हैं। डिजाइनर का बेसिक जॉब क्या होता है, डिजाइनर का बेसिक जॉब ये होता है कि वो अपने क्या कहते हैं, जो आपका जो प्रोडक्ट ओनर है, कोई भी प्रोडक्ट ओनर है, उस प्रोडक्ट ओनर की तरफ से अपने टारगेट ऑडियंस यानी यूजर से कम्युनिकेट करा रहा होता है थ्रू द यूजर इंटरफेस, जो भी इंटरफेस के सामने होता है, ठीक है। तो डिजाइनर का बेसिक जॉब ये होता है। तो ये बेसिकली अब वो किस तरह से प्ले होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है ये उन चीजों के बारे में सारी डिस्कशन हम कर रहे हैं। हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स, कॉम्पोजिशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट को मैंने आपको थोड़ा सा बताया, कॉन्सेप्ट सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी डिजाइन को प्रोड्यूस करने से पहले कॉन्सेप्ट होता है कि वो डिजाइन बन क्यों रहा है, वो प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, या मैं अगर सेल्फ ओनर हूँ किसी भी कंपनी का, तो मैं कोई चीज डिजाइन करने जा रहा हूँ, मैं क्यों डिजाइन कर रहा हूँ, वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है मेरे ऑडियंस को, कौन से मसाइल सॉल्व करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट की बात होती है, उन कॉन्सेप्ट में चंद चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। फिर कॉम्पोनेंट्स मैंने बताया था, कॉम्पोनेंट्स भी एलिमेंट्स है, और कॉम्पोजिशन इन कॉम्पोनेंट्स की कॉम्पोजिशन किन प्रिंसिपल से होती है। फ्लो अगेन मैंने कहा था, देखिए अगर फ्लो अगर देखें इस वक्त शेप्स का लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमारी हम इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में अगर हम इस चीज इसके आदि, तो लेफ्ट टू राइट चीजें मूव होती है, तो फ्लो शेप्स का लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। ये टॉप टू बॉटम भी फ्लो हो सकता था, ठीक है, ये बॉटम पे भी फ्लो हो सकता था, ये आपकी जो है डायगनल भी फ्लो हो सकता था। अब डायगनल का फ्लो होता मेरी स्क्रीन का स्पेस आया होता, मैं स्क्रीन पे कोई चीज यूज नहीं करता, तो डायरेक्ट डिसीजन लेके भाई या तो टॉप पे हो या बॉटम पे आ जाए, लेफ्ट पे आप भी आ सकता है, तो मैं कैनवस को, ये मेरा प्रिंसिपल है कि मैं इसको खराब नहीं करूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लो कहलाता है। अगेन हम इसको डिजाइन में देखेंगे आगे जाके, कुछ चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ जो डिजाइन से को जानने के लिए जरूरी है। अच्छा जी, अब हम कुछ लोगों ने रेज हैंड किया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो पूछो, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अनम्यूट कर दें जिसका क्वेश्चन हो। जी जी मैंने अस्सलाम रिक्वेस्ट किया है। जी वालेकुम सर। सलाम। सर मैं देख रहा था तो आप थ्योरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। सर आई रिक्वेस्ट कि एक तो ये जो स्लाइड है उसका थोड़ा लिंक हमें मिल जाए, और दूसरा अगर कुछ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन विद एग्जाम्पल हो जाए तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे सर। दैट इज द रिक्वेस्ट। थैंक ठीक है जी, इसके यू। अलावा थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर आपकी जो है वो लेक्चर वगैरह से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अच्छा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इसके साथ साथ आज आप हमें कुछ रिसर्च वर्क या कुछ असाइनमेंट वगैरह दें तो जो सारा वीक जो होता है वो हम लोगों का थोड़ा है वो रिकवर हो जाए, अगर आप बेटर समझे तो। और ऑल्सो मैं एक चीज वो भी ऐड करना चाहूंगी जो मुझसे पहले भी किसी ने ऐड किया कि आप जो चीज बता रहे हैं अगर वो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने शो करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आ, आ, अच्छा आपके क्वेश्चंस का आंसर ये है, देखें सबसे पहली बात मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा तो आप एडमिन से ले लीजिएगा ताकि आपको कन्वीनियंस है इन चीजों को देखने में। देखें मैंने एग्जांपल्स आपकी आपकी बस सही है कि इन चीजों के विजुअल एग्जांपल्स हमें देने चाहिए। मैंने ये बात डेलिबरेटली रखी है कि मैं सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करूँ कि सिर्फ वर्ड्स में, ताकि आपकी क्यूरोसिटी थोड़ी मिटे में। असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए चैलेंज ये है कि इस वक्त जितने भी टारगेट ऑडियंस है वो ज्यादातर डेवलपमेंट सेक्टर के हैं, तो डेवलपमेंट सेक्टर ज्यादातर जो होता है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो डिजाइन को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैंने सिर्फ इसको बहुत सरसरी डिस्कस करने का इरादा बनाया था ताकि हम उसको डायरेक्ट मूव होकर पिकमा बचें, लेकिन चूंकि अब आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मैं इसीलिए क्यूरोसिटी को मेंटेन रखते हुए इंशाल्लाह जब हम पिकमा को
ड्रॉ करेंगे तो फिर हम फिग्मा जब हम बेसिकली हमें इन सब चीजों को देखने के लिए हमें कोई टूल्स आने चाहिए ताकि हम उसको रियल टाइम पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ एक 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 प्रिंसिपल को और फिर आपको मैं रियल टाइम पे एग्जांपल्स देता रहूँ और फिर मैं आपको असाइनमेंट दूँ कि भाई इस चीज को डिस्कवर करें वो ज्यादा बेटर होगा। तो मेरा इरादा इतना डिटेल में जाने का नहीं है था लेकिन ये अब चूंकि लोगों की फरमाइश आ रही है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको डिटेल के साथ हम उसको कवर करें। ठीक है तो ये जवाब। अच्छा नेक्स्ट वो होता है अगेन हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टूल्स। टूल्स किन टूल्स को यूज करते हुए इस वक्त मार्केट में कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स टूल्स को हम यूज करते हुए हम ये सारी की सारी ये जो हमने डिस्कशन की डिस्कशन को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो टूल्स में हमारे पास जो जनरल टूल्स हैं इस वक्त वो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, स्केच है, एडोबी एक्सपी है, फिग्मा है, इसके अलावा भी इनविजन है और प्रो टूल्स है, वायर फ्रेम्स के कुछ टूल्स हैं सारे के सारे। लेकिन ये जनरली जो काबिल जिक्र टूल्स हैं वो ये हैं जिनको हम यूज करते हुए एक जमाने में हम तो हमारे पास चूंकि स्केच नहीं था, एडोबी एक्सपी नहीं था, फिग्मा नाम की कुछ इसको समझता ही था तो उस जमाने में हम करते थे कि यू आई यू एस के लिए हम जनरली इलस्ट्रेटर को यूज करते थे और फोटोशॉप को यूज करते थे। फोटोशॉप ज्यादातर फेमस था, फोटोशॉप ज्यादा फेमस था, यूजर इंटरफेस बनाने में आसान था, कदर आसान था, इलस्ट्रेटर ज़रा मुश्किल था क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए इलस्ट्रेटर के बाद तमाम के तमाम टूल्स जो है वो मेजरली जो हैंडल करते हैं वो वेक्टर टूल्स करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स ही हैंडल करते हैं। फोटोशॉप इज नॉट रिकमेंडेड टू डिजाइन एनी यूजर इंटरफेस। ठीक है हम उसमें क्योंकि फोटोशॉप इज फोटो मैनिपुलेटिंग, फोटो एडिटिंग एंड फोटो फिनिशिंग टूल। हम उसको में फोटो किसी भी फोटो को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिटच कर सकते हैं, उसके लिए बहुत आइडियल है। बाकी टूल्स जो हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स पे हैं। वेक्टर ग्राफिक्स का एक डिस्कशन है उसको हम आगे चलकर देखेंगे कि वेक्टर ग्राफिक्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक आपके जो सेगमेंटेशन हैं इमेज एडिटिंग टूल्स के वो एक रास्टर ग्राफिक्स टूल आता है, एक वेक्टर ग्राफिक्स टूल आता है। तो ये टूल्स हैं हमारे पास जो मार्केट में है। स्केच इज द पायनियर इन यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन टूल। स्केच जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं आपके सबसे पहले स्केच जो है वो टूल आया था मार्केट में जो कि यूज होता है यू आई यूएक्स के लिए। आई होप कि मेरे पास एक अच्छा ये इसको स्क्रीन शेयर हुई मैं आपको स्केच का कुछ थोड़ा सा और ही दिखा रहा कि स्केच कैसे क्योंकि स्केच का लिमिटेशन ये है स्केच इज ओनली फॉर मैकिंटोश एप्पल के लिए ही एप्पल का प्रोडक्ट है वो सॉरी एप्पल के प्लेटफॉर्म में ही यूज होता है। तो हमारे पास एक लिमिटेशन ये रहती है कि इसके लिए एप्पल का कंप्यूटर आपके पास होना जरूरी है, स्केच किसी पे रहा होता है, स्केच इज नॉट फॉर विंडोज और नॉट लिनक्स एक्सेट्रा। सो इसकी लिमिटेशन ये है। Adobe XD is a product of Adobe. Adobe जो है वो बेसिकली बाद में आया, Figma एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट था उसके उसको जो है वो उसका जो टारगेट ऑडियंस था वो सेपरेट था, उसका जो फोकस उसका पैराडाइम जो वो डिफरेंट है। सो स्केच इज नेटिव एप्लीकेशन यानी उसको जो है आप जब रन करते हैं तो वो नेटिवली रन हो रहा होता है यानी वो आई होप कि आप लोग डेवलपर्स समझते होंगे कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आपकी मशीन से डायरेक्टली रिसोर्सेज लेके उस पर रन होते हैं। बाकी Adobe XD इज ऑल्सो नेटिव एप्लीकेशन, Figma इज अ बैप्टिस्ट टूल, Figma का एक अलग पैराडाइम है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है तो ये टूल्स हैं जो कि हमारे पास हैं। इलस्ट्रेटर आप ज़्यादातर जो है वो यू आई यू एक्स के लिए नहीं यूज होता, फोटोशॉप में यूज होता। इलस्ट्रेटर पर हम ज़्यादातर लोगो डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, प्रिंट प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, कलर प्रोडक्शन के लिए, इनके लिए यूज करते हैं। इवन आइकन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए जनरली लोग जो है वो काफी जो फिग्मा पे डिजाइन कर लेते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं इलस्ट्रेटर को आइकन डिजाइन कर, जो मुझे इंटरेस्टेड है, मुझे बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगता है इलस्ट्रेटर को डिजाइन। ठीक है जी कोई क्वेश्चन हो रहे हैं जी जरा ले लीजिए प्लीज। सलाम सर, वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप में क्या फर्क होता है और हम फिग्मा से क्या चीज बनाएंगे, प्रोटोटाइप्स बनाएंगे वायरफ्रेम या क्या बनाएंगे सर? ठीक है जी और इसके अलावा कुछ नहीं सर, यही क्वेश्चन। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन
ठीक है जी। इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेस कर सकते हैं। साजिद मुनव्वर साहब कुछ सर, ये अभी आपने कहा था कि कैच जो है ना सिर्फ एप्पल के ऊपर होता है, ये सिर्फ डेवलपर के लिए है या एंड यूजर के लिए? या यूजर के लिए तो उसको ये एप्पल का होना जरूरी नहीं है? देखें, मैंने से बात की थी स्केच की। स्केच एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली मैं आपको देखें, ये स्केच सॉफ्टवेयर, दिस इज द स्केच सॉफ्टवेयर। ये इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये इट्स ओनली यूज फॉर बेसिकली ये एप्पल मैकिंटोश में ही यूज होता है खाली। ये टूल्स जो है, बट काम करने का मकसद दोनों इनका प्रिंसिपली सेम है। ठीक है, तो स्केच का प्रॉब्लम मैंने बताया था कि स्केच हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि स्केच सिर्फ मैकिंटोश पे यूज होते हैं, यानी जैसे इलस्ट्रेटर फॉर मैकिंटोश है, फोटोशॉप फॉर मैक, एप्पल मैक है, फिग्मा फॉर मैक है, एक्सडी फॉर मैक है। स्केच जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैक के लिए होता है। अगर आप स्केच में कोई भी यूजर एक्सपीरियंस या यूआई इंटरफेस डिजाइन करने जाते हैं तो वो सिर्फ उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको एप्पल का प्रोडक्ट, आपके पास एप्पल का लैपटॉप हो, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। विंडोज लैपटॉप में स्केच सपोर्ट नहीं करता, या विंडोज कंप्यूटर में स्केच सपोर्ट नहीं करता। तो बताने का मकसद ये था बेसिकली कि स्केच को हम इसलिए रिकमेंडेड नहीं करते जनरल मार्केट में, आपकी जो मार्केट है। एडोबी जो है वो दोनों के लिए यूज करता है, एडोबी विंडोज के लिए भी, एडोबी मैक के लिए भी, एडोबी एक्सट्री एक्सपीरियंस डिजाइन ये दोनों के लिए है। लेकिन एडोबी एक्सट्री इसलिए इररिलेवेंट हो चुका है इसको राइट नाउ क्योंकि फिग्मा जो है, फिग्मा पहले थर्ड पार्टी था लेकिन फिग्मा अब एडोबी ने बाय कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। तो फिग्मा को ही वो सीरियसली ले रहे हैं और होपफुली एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में शायद एडोबी भी एक्सट्री को या फिग्मा के साथ मर्ज कर दें या कोई थर्ड प्रोडक्ट निकाल लें, तो इट बी इररिलेवेंट होगा। ठीक है, सो फिग्मा का खासियत ये कि फिग्मा मैक पे भी चल सकता है, विंडोज पे भी चल सकता है, लिनक्स पे भी चल सकता है, सब चीजों पे चल सकता है। ठीक है, अच्छा एक दोस्त ने हमारे सवाल किया था कि प्रोटोटाइप और वायर फ्रेम्स और सही, देखिए ये सारे की सारे प्रोटोटाइप एक फाइनल प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट। ठीक है, वायर फ्रेम किसी भी इंटरफेस को बनाने से पहले हम इसका एक स्केलेटन बनाते हैं, एक रफ आइडिया बनाते हैं, उसको वायरफ्रेम कहते हैं। फिग्मा में हम वायरफ्रेम भी बना सकते हैं, फिग्मा में हम प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं, फिग्मा में हम यूआई भी बना सकते हैं, फिग्मा में हम यूजर फ्लोस भी बना सकते हैं, फिग्मा में हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, उसके लिए कुछ रिलेवेंट टूल्स हैं। तो ये सारी चीजें हम फिग्मा में बना सकते हैं, फिग्मा जो है केपेबल इन सब चीजों को बनाने की। बात सिर्फ ये है कि हमें इन चीजों को बनाने से पहले पता हो कि कब हम क्या बनाने जा रहे हैं और क्यों बनाने जा रहे हैं, हमारे पास एक डेलिबरेट डिसीजन हो। ठीक है, तो ये वायर फ्रेम्स और प्रोटोटाइप अगर आप फिग्मा में सब कुछ बना सकते हैं तो ये एक सवाल का जवाब है। ठीक है, अच्छा जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिग्मा वाई इज फिग्मा, हमारे पास हमारा चूंकि कोर्स रेलिवेंट टू फिग्मा है, फिग्मा क्यों हम यूज करते हैं, फिग्मा क्या है, फिग्मा इज अ पावरफुल रियल टाइम कोलैबोरेशन यूआई यूएक्स डिजाइन टूल दैट हेल्प्स टू क्रिएट वेबसाइट वायर फ्रेम्स लोगोस एंड मच मोर। ठीक है, अगेन फिग्मा की डेफिनेशन है बेसिकली कि यूआई यूएक्स का एक डिजाइन टूल है जो कि यूज होता है वेबसाइट्स की मॉकअप्स बनाने में, वेबसाइट्स की फ्रेम्स बनाने में, वायर फ्रेम्स बनाने में, लोगोस बनाने में और सारी चीजें बनाने में। लोगोस अगेन दिस इज द लोगोस। अगर आप प्योर प्रोफेशनली फुल फ्लैश डिजाइनर हैं तो आप लोगो के लिए फिग्मा को कभी भी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि फिग्मा में वो टूल्स, वो गाइड्स, एलिमेंट्स वो है ही नहीं जो लोगोस को, जो एक अच्छे लोगो को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, राइट नाउ फिग्मा इज नॉट कैपेबल टू डिजाइन अ वेरी प्रोफेशनल फुल कमर्शियल लोगो। आप छोटे मोटा एक
एक स्टार्टअप के लिए छोटे मोटी चीजें तो बना सकते हैं, बट पूरा लोगो जो जिसको ब्रांड डिजाइन कहते हैं, ब्रांड डिजाइन के लिए, लोगोस के लिए, इन चीजों के लिए Figma is not recommended. ये Figma ने अपनी जनरल डेफिनेशन दी है, बट I totally disagreed with that कि आप logos जो हैं, full flash logos जो हैं, वो आप Figma बना सकते हैं. अलबत्ता wireframes, website, yes, that's true. आप prototypes बना सकते हैं उसमें, आप user flows बनाते हैं, सब चीजों को बना सकते हैं. ठीक, so this is Figma is good for that. कोई question? लोग पूछ रहे हैं? किसी का question है तो वो hand raise कर सकते हैं. लाल आप अनम्यूट हो गए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं. जी सर. सर ये Figma में जो आपने बताया फायर फ्रेम्स, तो इनके मीनिंग क्या, फायर फ्रेम्स क्या होते हैं? हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके. असल में हम फायर फ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स, यूजर इंटरफेसेस, ये सब चीजें हम देखेंगे. ये फायर फ्रेम्स क्या होते हैं, यूजर फ्लोस क्या होते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, उनके क्या रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है, हम कोशिश करके इन सब चीजों को डिटेल के साथ कवर कर सकते हैं. Assalamualaikum, सर. Assalam. सर, as a beginner, हमें कौन से कलर इस्तेमाल करने चाहिए वेबसाइट पे डिजाइनिंग करने के लिए, और डिजाइन के कितने टाइप्स होते हैं, सर ये बता दे सर. टाइप्स से मुराद टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग, कितने किस्म के डिजाइनिंग होते हैं, मतलब डिजाइन कितने किस्म के इंडस्ट्रीज होती है, कितने किस्म के आप यूजर इंटरफेस डिजाइन की बात कर रहे हैं? यूजर इंटरफेस की. सर यार, यूजर इंटरफेस डिजाइन हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन्स हो सकते हैं. मैं इस पर क्या डिस्कस करूं, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप डिजाइन का कौन सा वुड यूज करते हैं. बेसिकली अगर आप डिजाइन को ग्रेड वाइज डिवाइड करना चाहें, तो ग्रेड के लिए आप 4-point ग्रेड सिस्टम होता है. हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब हम ग्रेड्स वगैरह पढ़ेंगे तो हम ग्रेड्स जब अप्लाई करेंगे तो टेक्नोलॉजी को देखेंगे. 4-point ग्रेड, 8-point ग्रेड सिस्टम होता है. ग्रिड का जो आप जैसे CSS आप यूज करते हैं, फ्लैट ग्रिड होता है, आपके पास मॉडल्स हैं, तो इसी तरह से आप यूजर इंटरफेसेस वगैरह डिजाइन करते हैं. तो वो कुछ हमने कुछ फोकस करके हम देखेंगे कि उसको कैसे कवर करें ना. वैसे तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ डिजाइंस के एलिमेंट्स होते हैं, हम कैसे, आई मीन ये तो पूरा समंदर है, उसको कैसे कवर, कैसे एक्सप्लोर करेंगे. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. अच्छा जी, प्रोज ऑफ Figma, Figma के किसी भी फाइनल प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन. मिसाल के तौर पे कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर की, टोयोटा का गाड़ी बनाता है, उस टोयोटा की गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से पहले, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, अगर आप जनरली देखें तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, बहुत ज़्यादा बजट उस पर खर्चा आता है. तो उस खर्चे से पहले उसकी प्रोटोटाइप बनाया जाता है, यानी उसका एक फिजिकल प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, फिजिकल टोटल एक ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप बनाई, एक एग्जाम्पल बनाई जाती है कि हाँ यार, टोयोटा का 2024 का मॉडल जो होगा करोला का, वो कुछ इस तरह का होगा, उसमें ये फीचर्स होंगे. और वो जितना ज़्यादा फिजिकल होता है, उतने ही लोगों को उस एक्सपीरियंस को जज कर सकते हैं कि हाँ, ये एक्सपीरियंस कैसा है. तो हम मल्टीपल प्रोटोटाइप्स होते हैं, एक एक प्रोटोटाइप बनाने में हमें होता है कि हम इंडस्ट्री का जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है, और उससे पहले हम प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस एक गेस कर लेते हैं, एक लमसम आइडिया ले लेते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है हमारे यूजर्स के लिए प्रॉपर है या नहीं है. उस पर होता है कि जितने भी जो रोल्स होते हैं बेसिकली बिजनेस के, पार्टनर्स हो गए या जितने भी लोग होते हैं, वो सारे के सारे फिजिकली उस चीज़ को मॉनिटर कर लेते हैं, देख लेते हैं. तो प्रोटोटाइप इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. लग सकती है तो फाइनल प्रोडक्ट जो है किस तरह की लगेगी, किस तरह की नजर आएगी, या कैसी लुक एंड फील देगी, प्रोटोटाइप ही होता है बेसिकली. ठीक है, और क्वेश्चन? सलाम सर. सलाम सर, किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम
नॉलेज बढ़ाने के लिए उसकी बुक्स पढ़ते हैं या उसकी टेक्निक्स वगैरह सीखते हैं। तो डिज़ाइन के बारे में अब बिल्कुल हम नए हैं क्योंकि इस फील्ड के अंदर, तो क्या हम थ्योरी पढ़ें या मुख्तलिफ डिज़ाइन देखें? अगर हम डिज़ाइन देखते हैं तो भी हमारे कोई समझ नहीं आता कि ये डिज़ाइन में क्या देखें, क्या नोट करें, कलर स्कीम देखते हैं मगर भूल जाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं समझ नहीं आती है। तो एज अ बिगनर हमें डिज़ाइन के बारे में मजीद नॉलेज देखने सीखने के लिए तो हमें डिज़ाइन देखने पड़ेंगे या डिज़ाइन की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी या क्या मतलब डिज़ाइन में कैसे हम उसको मजीद उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ओके okay, जी ठीक है ठीक है बस हो गया कुछ। अच्छा देखिए देखें इसका जवाब ये है कि डिज़ाइन के लिए मल्टीपल बुक्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टिपिकली देखिए डिज़ाइन एक तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। मैंने ये कहा है कि आपको कि अगर मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ ना वो टोटली अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। आपको किसी एक बुक से किसी एक सोर्स से आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद ना मिले, मुश्किल हो जरा सी, लेकिन मैं टोटली अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि बेस्ड ऑन द 19-20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं डिज़ाइन को समअप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो प्रिंट डिज़ाइन में भी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी है, डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी है, फिजिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी है, इवन है कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जैसे अगर आप देखें कि आपका जो गाड़ी का क्लस्टरिंग डिस्प्ले होता है उस क्लस्टरिंग डिस्प्ले में जो आपके सामने जो स्क्रीन होता है डैशबोर्ड पर स्क्रीन आ रही होती है उसकी यूज अब तो वो टोटल डिजिटल हो गया। तो उस डिजिटल को उसको डिजाइन करने के लिए भी एक पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, उसको भी डिजाइन किया जाता है, उसके डिजाइन का एक अलग शोबा है पूरा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपकी लिमिटेशन होती है, आप 8-bit प्रोसेसर पर काम कर रहे होते हैं और बड़ा ही लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज होती है। तो वो टोटल एक्सपीरियंस को मैं सवाल करके आपके सामने ये चीजें ला रहा हूँ। अच्छा कुछ बुक्स मैं कोशिश करूंगा कि PDF मैं आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि डिजाइन को किसी हद तक कवर करती है। आप कोशिश कीजिएगा उसको पढ़ें जितना अच्छा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा देखें आप इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखेंगे उतना चीजें समझ में आएंगी। ऐसी जरूरी है कि हम चीजों को विजुअली देखें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में हम कुछ प्रेजेंटेशन लेके लेकर, क्योंकि होता ही है कि प्रेजेंटेशन जनरली लोगों की नजर में बोरिंग होती है बड़ी ज्यादा। वो कहते हैं सीधा टूल पर जाओ, डायरेक्ट कोडिंग करो, डायरेक्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर करके लूप्स हैंडल चलाओ और हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल लगाओ तो चलो जी प्रोग्रामिंग आ गई है। इसी तरह से डिजाइन का भी होता है कि डायरेक्ट फोटोशॉप खोलो, फोटोशॉप में लाइनें खींचो, तस्वीर की फिल्टर लगाओ, ब्लर कर दो, गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दो, ग्लो अप्लाई कर दो, ठीक है जी तस्वीर खूबसूरत होगी, अच्छे जी फोटोशॉप आ गया। बात यह है कि उन टूल से काम कैसे लेना है। अब चूंकि ये दिस इज गुड साइन कि आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है डिजाइन की तरफ, तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच में कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन क्विक हम ले लें ताकि हम इन चीज़ों को कवर कर लें। अगेन ये क्यूरियोसिटी मैं आपकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कुछ कुछ चीज़ों को मैं आपको सामने लगता रहूंगा और मजीद नई नई चीज़ आपके सामने लाता जाऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ठीक है कोशिश मेरी ये होगी कि आप फिग्मा को देखिए, हमारा तो बेसिकली इस वक्त तो प्रैक्टिकल जो टास्क है वो ये कि हमें फिग्मा टूल चलाना आ जाए, बट ये आप समझ लें कि मेरा एक नज़रिया था कि हम फिग्मा टूल चलाना तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। बात यह कि फिग्मा टूल को चलाना, फिग्मा टूल को कैसे चलाने में फ़र्क है, फिग्मा टूल को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ों का ड्रॉ कब कब कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज करना है उन चीज़ों का आना जरूरी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिज़ाइन पढ़ना है। डिज़ाइन इज अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट है, लोग 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल का मास्टर्स करते हैं, फिर 2-3 साल का PhD करते हैं, इवन टिपोग्राफी खाली डिज़ाइन के अकेले टिपोग्राफी के अंदर आप PhD कर सकते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर सिर्फ डिज़ाइन को सोचने के लिए आप PhD कर सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, हम कवर करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके ना, हमारे पास टाइम फ्रेम थोड़ा सा शॉर्ट है। मेरी लिमिटेशंस थोड़ी सी आप इस बात को समझिए कि मेरी लिमिटेशंस ये है कि मेरे पास टाइम आपको टाइम देने के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम है, तो हम कोशिश करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर कर सकें वो। बट दैट इज़ अ गुड साइन कि आप जो डेवलपर्स हैं उसको इस सेंस में ले रहे हैं कि जिस सेंस में लेना चाहिए, दिस इज गुड साइन फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है अच्छा जी, रास्टर और वेक्टर का एक सवाल आया था, रास्टर और वेक्टर का हम अभी डिस्कस करते हैं। रास्टर और वेक्टर सवाल में क्या फर्क है और क्या कौन कौन से टूल होते हैं? फिग्मा प्रोज, फिग्मा जो है फिग्मा के प्रोज क्या है? फिग्मा इज अ वेब बेस्ड, फिग्मा का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फिग्मा वेब बेस्ड, इट मीन्स वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप मैक पे भी यूज कर सकते हैं, आप विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं, आप लिनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, आप उबंटू पे भी यूज कर सकते हैं, आप
यूएस पे भी यूज करते हैं, कोई भी फ्लेवर होगा, आपके पास अगर ब्राउजर है तो आप रेजर यूज सकते हैं। लेकिन ये अगेन इसके हम आगे डिस्कस करेंगे, तो एक कॉन भी है वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑफर सिंप्लीफाइड हैंड ऑफ। हैंड ऑफ कहते हैं एक 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 हैंड ऑफ बेसिकली एक स्टेज है कि जिस स्टेज में हम अपने डिजाइन को डेवलपर के लिए हैंड ऑफ करते हैं, यानी हम डिजाइन को डेवलपर के लिए देते हैं। यानी कोई भी लेआउट है, हम उस लेआउट को इस सेंस में देते हैं कि वो डेवलपर उसको इजीली समझ सके, इजीली अडॉप्ट कर सके। वो जब हम फिग्मा टूल खोलेंगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, उसमें होता ही है कि फिग्मा पे किसी भी यूआई यूएक्स डिजाइन टूल पे वो जैसे ही वो किसी चीजों पर क्लिक करता है तो उसका उसका पूरा उसका जो सीएसएस हो गई या उसका क्या कहते हैं आपके जावा हो गया या स्विफ्ट हो गई, उसमें उसको सोर्स कोड मिल जाता है किसी भी एलिमेंट का। तो वो हैंड ऑफ जो है जिसे कहते हैं कि हम जितने भी आइकन सिस्टम है, डिजाइन सिस्टम है, उसको इस लाइक बनाने के वो डेवलपर्स को दिया जा सके, ये हैंड ऑफ होता है। तो फिग्मा में इट्स क्वाइट सिंपल टू हैंड ऑफ द थिंग। स्केच में हम जो यूज करते थे, स्केच में बेसिकली जो क्या कहते हैं हम जो हैंड ऑफ के लिए टूल के लिए यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड ज़ैपलिन। वो ज़ैपलिन एक सेपरेट टूल है, वो अलग यूज टूल है बेसिकली, हम उसको उसमें यूज करते थे, लेकिन फिग्मा में ये इनबिल्ट है बेसिकली। दिस इज द प्लस पॉइंट। थर्ड प्लस पॉइंट, रियल टाइम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रियल टाइम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी आप मल्टीपल डिजाइनर्स किसी एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करके उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो एजाइल एनवायरनमेंट में उसको डिजाइन कर सकते हैं। किसी एजाइल इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसमें हम स्प्रिंट्स रन करते हैं, वो एक अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है हम उसको। लेकिन ये तो बताने का मकसद ये है कि आप मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं, मल्टीपल डिजाइनर्स किसी एक प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर मेटावर्स का कोई की वेबसाइट बनानी हमें, या आपकी पैनावर्स जो है उसकी वेबसाइट बनानी, तो पैनावर्स की वेबसाइट पे मल्टीपल रोल्स इन्वॉल्व होते हैं। यूजर रिसर्चर्स अलग होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर अलग होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस राइटर्स अलग होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर अलग होते हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर्स अलग होते हैं, क्या कहते हैं आप कॉपी राइटर्स अलग होते हैं, इमेज एडिटर्स अलग होते हैं। जनरली एक लार्ज फॉर्म में, वैसे तो पाकिस्तान में बेचारा एक ही डिजाइन सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन ये कि जनरली लार्ज फॉर्म में ये सब लोग अलग अलग होते हैं। तो वो सब मिलकर जहाँ पे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दिस इज द प्लस पॉइंट, दिस इज वेरी बिग प्लस पॉइंट। ठीक है, अलाउ फॉर काउंटलेस इंटीग्रेशन। फिग्मा जो है आपको अलाउ करता है इंटीग्रेशन, यानी इसमें जितने भी प्लगइन्स हैं, बेसिकली जब आप प्लगइन्स को इंशाल्लाह आप देखेंगे तो इसमें कुछ प्लगइन्स हैं, आप प्लगइन्स जैसे फोटोशॉप के प्लगइन्स होते हैं, इस तरह से फिग्मा के भी कुछ प्लगइन्स हैं जो कि आपके काम को ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए कुछ प्लगइन्स बनाए हुए हैं। फिग्मा के थर्ड पार्टी एसोसिएट थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, उनको वो APIs जो है वो बाकायदा एक APIs जो है वो हैंड ऑफ करता है, और APIs के थ्रू वो अपने प्लगइन्स बना सकते हैं। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट कि इसमें प्लगइन्स बहुत ज्यादा है। अगेन दिस इज द बिग डिबेट बिटवीन द स्केच एंड द फिग्मा। कुछ लोग कहते हैं कि स्केच की जो है वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है प्लगइन्स की और बहुत रोबस्ट लाइब्रेरी है, और फिग्मा का ये कहते हैं बाज़ लोग कहते हैं फिग्मा की बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन फिग्मा इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, फिग्मा हैज अ फिगजैम। फिगजैम देखते हैं, फिग्मा में आपके पास एक इनबिल्ट टूल है फिगजैम। फिगजैम एक वाइट बोर्ड टूल है जो कि जनरली यूज किया जाता है जब भी कोई भी एप्लीकेशन का प्री प्रोडक्शन होती है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर बनने से पहले हमारे पास तीन फेज होते हैं जैसे जनरली, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन होने से पहले कोई भी यूजर इंटरफेस डिजाइन बनने से पहले कौन सा एलिमेंट है जो जरूरी है बनना, प्रोडक्शन में हम वो चीज एग्जीक्यूट करने आनी, हम डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, हम फिग्मा टूल वगैरह यूज करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है उसमें होता है प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, बार बार यूजर्स को दिया जाता है, यूजर्स को टेस्ट करने के लिए हाथ को हैंड ऑफ किया जाता है ताकि उसको देखे, और उनमें जो भी मसाइल हैं उसको वो रेस करें ताकि मसाइल को पहले ही रिजॉल्व कर दिया जाए उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले, कोडिंग होने से पहले। यूजर इंटरफेस की कोडिंग में क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं ताकि यूजर जल्दी इसको जनरली प्ले कर दे और उसमें कोई अगर मसले मसाइल हो तो बता दें और उसको हम उसको रिजॉल्व कर दें, फिर हम वो हैंड ऑफ कर देते हैं डेवलपर्स को, फिर डेवलपर्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो फिग्मा का जो फिगजैम है वो बेसिकली प्री प्रोडक्शन टूल है, इसमें आप कुछ चीजें जो बना सकते हैं जैसे मूड बोर्ड्स हैं। मूड बोर्ड्स क्या होता है मैं भी बताता हूँ आपको, मूड बोर्ड्स आप बना सकते हैं, यूजर फ्लोस बना सकते हैं आप,
और क्या कहते हैं आप, और फिग जैम इज अ वेरी रोबस्ट टूल क्या कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। जैसे आगे तौर पे अगर हम मैं सब पाकिस्तान में हूँ, मेरा क्लाइंट जो है वो इस वक्त बैठा हुआ है सिलिकॉन वैली में, मेरा डेवलपर जो है वो बैठा हुआ है यूक्रेन में, ठीक है ना, जनरली होता है। तो हम बेसिकली मिलके प्रोडक्शन से पहले डिजाइनर के जॉब होते हैं कि डिजाइनर वो बताता है, उसको ब्रीफ करता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसका यूजर फ्लो कैसा होगा, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होता है, ये यूजर एक्सपीरियंस के सारी सब्जेक्ट्स हैं, नॉर्म्स हैं, इसको ज़रा मतलब इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इसको कोशिश करेंगे चीज़ों को देख लें विजुअली कि कैसे बनती है। तो होता क्या है कि हम प्रोडक्शन से पहले हम बताते हैं कि हम ये चीज़ें बनाने जा रहे हैं, इसकी ये एलिमेंट्स होंगे, ये होगा, ये बजटिंग होगी, ये कॉस्टिंग होगी। तो वो आपका जो क्लाइंट होता है वो रियल टाइम पर देख रहा होता है, मल्टीपल क्लाइंट्स के अगर रोल्स हैं वो भी देख रहे होते हैं, मार्केटर या रेल भी देख रहा होता है। तो रियल टाइम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप व्हाइट बोर्ड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिग्मा का फिग जैम जो एक टूल है बेसिकली, वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, कौन सा फिग्मा, फिग्मा के कुछ डेफिनेटली कुछ कॉन्स हैं, तमाम टूल्स के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फिग्मा के कॉन क्या है, डज नॉट हैव अ वैरायटी ऑफ इमेज एडिटिंग टूल्स। फिग्मा के पास इमेज एडिटिंग कोई भी रोबस्ट किसी का इमेज एडिटिंग टूल नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड ऑन, इट्स 90% बेस्ड ऑन द वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स और एस्पेक्ट ग्राफिक्स दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स पे जो भी शेप्स प्रोड्यूस होते हैं वो मैथमेटिकली इक्वेशन बेस्ड होते हैं, यानी उसमें जितने भी शेप्स ड्रॉ होते हैं वो मैथमेटिकली इक्वेशन बेस्ड शेप्स ड्रॉ हो रहे होते हैं। उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि वो रेजोल्यूशन डिपेंड होता है, यानी आप उसको कितना ही बड़ा कर दें, कितना ही छोटा कर दें, वो उसका रेजोल्यूशन फटता नहीं है, उसका रेजोल्यूशन जो है वो जैगनेस नहीं आता, उसमें पिक्सलेट नहीं होता। रास्टर में होता प्रॉब्लम ये होता है कि रास्टर में, मैं आपको विजुअल एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ, रास्टर में क्या होता है कि रास्टर में कोई भी इमेज अगर आप एडिट करते हैं, कोई भी इमेज अगर आप उसको कोई भी रास्टर में कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं वो पिक्सल बेस बनता है। उसमें हमारे पास लिमिटेशन होती है कि वो अब एक खास जूम करने के लेवल के बाद, उसको ज़्यादा बड़ा करने के बाद वो चीज़ें फटना शुरू हो जाती हैं, वो जैगिनेस आना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती है और वो फिर यूज़ करने के लायक नहीं होती। बट रास्टर में हम जितने पिक्सल देखें, जितने फोटोग्राफ्स होते हैं, जितने भी फोटोग्राफी से रिलेटेड या फोटो से रिलेटेड जो भी टूल, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रास्टर ग्राफिक्स टूल में यूज किए जाते हैं। जैसे फोटोशॉप इज अ रास्टर ग्राफिक टूल, फोटोशॉप जो है वो रास्टर ग्राफिक्स को हैंडल करता है। वेक्टर ग्राफिक्स को तमाम के तमाम यूआई यूज के टूल जो है वेक्टर ग्राफिक्स को हैंडल करते हैं। उसके अलावा एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स को भी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लेट्स से देखिए आपके सामने एक छोटा सा विजुअल है, होता क्या है कि ये विजुअल आपके सामने इस वक्त बिल्कुल क्लियर प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। होता क्या है कि जब मैं इसको जूम करने लगता हूं, तो अगर आप देखें जूम लेवल पे, That become pixelated. अब कोई भी चीज जो है वो पिक्सल पिक्सल बेस नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि होता है क्या है कि इस रास्टर ग्राफिक्स की डिमांड ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ होता है वो बेस्ड ऑन पिक्सल पिक्सल ड्रॉ होता है। हर इंडिपेंडेंट पिक्सल जो है वो सेपरेटली ड्रॉ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हाफ टोन इमेज नजर आता है, यानी हाफ टोन, यानी इस वक्त जो फोटोग्राफ है इसमें इतनी वेरिएशन आ रही है कि उसको हम पिक्सल बाय पिक्सल ही सॉल्व कर सकते हैं। ये वेक्टर ग्राफिक्स की बस की बात नहीं है, लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स का प्लस पॉइंट क्या है कि वेक्टर ग्राफिक्स में जो भी शेप आप ड्रॉ करते हैं वो रेजोल्यूशन इंडिपेंड होता है, यानी वंस आपने ड्रॉ कर दिया, अब आप चाहे आप उसको कितना ही बड़ा करें, कितना ही छोटा करें, वो क्वालिटी लॉस नहीं करता। अगर मैं मिसाल के तौर पर इस शेप को बड़ा करता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर छोटा करता हूँ, फिर बड़ा करता हूं, फिर छोटा करता हूं,
पे बड़ा करता हूँ। आप देखें क्वालिटी जो है उस शेप की लॉस हो गई है, यानी तीन दफा बड़ा मैंने लार्ज किया, रिड्यूस किया, लार्ज किया, रिड्यूस किया, अब वो जो एरो है वो एरो गायब हो गया। ठीक है, ये रास्टर ग्राफिक्स की लिमिटेशन है कि यहाँ पे हमें शेप्स जो है वो लॉसलेस लॉसी मिलते हैं, यानी कोई भी फोटोग्राफ्स होती है अगर हम उसको बार बार उसकी मैनिपुलेशन करें तो वो अपनी इंप्रेशन जो है वो लॉस करना शुरू कर देती है। वेक्टर ग्राफिक्स का ये मसला नहीं है, वेक्टर ग्राफिक्स में आप जब भी कोई भी टूल यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अभी फिग्मा देखते हैं इंशाल्लाह, कि वेक्टर ग्राफिक्स में जब भी हम यूज करेंगे तो उससे होता ही है कि वो लॉस नहीं करता शेप को, कितने बड़ा कितनी बड़ा कितनी टाइम से आप बड़े छोटा करें, कितने लार्ज करें, रिड्यूस करें, वो अपनी शेप की प्रेजेंटेशन जो है वो लॉस नहीं करता। दिस इज द गुड थिंग। तो इमेज एडिटिंग टूल जो है, जैसे जब ये जो था फोटोशॉप की तरह के कोई इसके फिल्टर शिल्टर अप्लाई करने के लिए बहुत लिमिटेशन दी हैं, बहुत बेसिक अभी दी हैं, चंद अभी जो पास करनी है अपडेट्स आई हैं, लेकिन फुल फ्लैश इमेज एडिटिंग टूल नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रीसाइज इमेज इज नॉट एज यूजर फ्रेंडली फीचर। ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह का जो फीचर है वो इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगेन जो लोग स्केच से आए हैं या एडोबी एक्सडी से आए हैं, खासकर स्केच से जो आए हैं, उनकी आदतें थोड़ी यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो टूल जो है, क्योंकि देखें होता क्या है कि वेब की हमारे पास अभी तक कुछ लिमिटेशन है, वेब में वेक्टर ड्रॉज और वेक्टर ड्राइंग टूल्स की कुछ लिमिटेशन है, उसकी जो एपीआई है इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं है कि वो नेटिव पे कैप्चर कर सके। यही डिबेट नेटिव एप्लीकेशन और फ्लटर और आपके जितने भी जो रिएक्ट जो है रिएक्ट के जितने भी टूल्स हैं, जो बेसिकली समहाउ कंपाइल करते हैं आपके जितने भी कोड्स को है वो एक कंटेनर में चलाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये जनरल एक प्रॉब्लम है कि जो वेब बेस्ड टूल्स हैं वो नेटिव की परफॉर्मेंस को अभी टक्कर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम सिनेरियो यही है कि फिग्मा जो है वो बेस्ट टूल है, फिग्मा में जो भी चीज़ बनती है वो नेटिव एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बड़ा मसला है, उसमें मसले मसाइल आते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह की सारी चीजें ये इसमें अवेलेबल नहीं है। यू डू नॉट वर्क ऑफलाइन, दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास फिग्मा नहीं है, आप फिग्मा यूज नहीं कर सकते। आपके पास इंटरनेट अगर नहीं चल रहा तो आप फिग्मा को कभी खोल भी नहीं सकते, कोई एप्लीकेशन प्रोजेक्ट खोल भी नहीं सकते, कुछ काम भी नहीं कर सकते। फिग्मा डज नॉट वर्क इन सम ब्राउजर्स, ये नेगेटिव है कि बहुत सारे ब्राउजर्स हो गए, बहुत सारे इशू आते हैं, खासकर लिनक्स के जो ब्राउजर्स हैं उनके अंदर बड़ा इशूज आते हैं। अगर आप क्रोम है तो क्रोम सबसे बड़ा, सबसे फुल फ्लैश जो सब जो हैंडल करता है वो क्रोम ही हैंडल करता है। ठीक है, और अगेन क्रोम इज अ स्लो ब्राउजर। अगर आप बाकी पूरे तमाम प्लेटफॉर्म पर लें तो बनिस्बत तमाम जो नेटिव ब्राउजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, क्रोम जो है थोड़ा सा स्लो करता है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू लोड द फिग्मा फाइल। फिग्मा फाइल अगर आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट है, एग्जाम्पल अगर आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्क्रीन हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, मल्टीपल पेजेस यूज हो रहे हैं, तो फिग्मा जो है उसको लोड करने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि वो डायरेक्टली वेब सर्वर से ला रहा होता है, तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसमें होता भी ये कि बाज़ अवकात वो आपके पास इंटरनेट स्पीड चौक होती है तो वो प्रोजेक्ट भी रुक जाता है, फिर आपको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है। दिस इज द पॉन ओकेशनली सम आइटम्स में स्टॉप डिस्प्लेइंग एंड ऐप रिस्टार्ट इज रिक्वायर्ड। ओकेशनली ये होता है काफ़ी ज़्यादा, अपने बाज अकाउंट वगैरह प्लेस किए हुए तो वो होता है कि फिग्मा जो है वो जैसे ही बीच में कहीं इंटरनेट कहीं चौक पर तो वो आइकन जिस दौरान ला रहा होता है वो डिस्प्ले नहीं करता आपके सामने, फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन पर आपको प्रोजेक्ट जो है रिस्टार्ट करके दोबारा डिलीवर करना होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट अगेन प्रोज को देखें तो प्रोज इटसेल्फ हम जगह पे इस वक्त मेजरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में फिग्मा इज अ वन ऑफ द टॉप नॉच टूल जो यूज हो रहा है, क्योंकि वजह है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो मेजर है वो है रियल टाइम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। ये चीज जो है आपको ये बाकी टूल स्केच इज वर्किंग ऑन इट, स्केच अभी काफी ज्यादा मेच्योर हो गया इस पे कि वो रियल टाइम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट नेटिवली प्रोवाइड कर सके। बट स्केच का डिलेमा ये है कि स्केच ओनली फॉर मैक, जो लोग मैक यूजर्स उनके लिए है, जो लोग विंडोज यूजर उनके लिए मैक उनके लिए नहीं है। सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, और सेकंड प्लस पॉइंट इसका एक इंटीग्रेशन है, दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। तो हम इन चीज़ों को किसी हद तक यूजर इग्नोर करते हैं। अगेन यहाँ पे मसले मसाइल हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग से मसले मसाइल हैं, इंटरनेट स्पीड के मसले मसाइल हैं, पर इंटरनेशनली ये चीज़ें जो है चीज़ों पर इग्नोर कर दिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, दिस इज द थिंग। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह फिग्मा से। दिस इज फिग्मा। बेसिकली आप देखें, आप लोग
जितने भी जो जनरल यूजर्स हैं वो आपको पता है कि साइन अप कैसे किया जाए किसी भी चीज का। मैं इसको सारा लंबा डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप बुक देखिए, बुक में डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है कि आप ईमेल एड्रेस दे के कैसे साइन अप करेंगे, और फ्री टूल है, फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है, उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें नहीं है आपके अवेलेबल, प्राइस मॉडल क्या है उसका, वो सब आप देख सकते हैं। बट आप जब वंस लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद आपका दो ऑप्शन है, या तो आप फिग्मा को वेब बेस्ड यूज करें या फिग्मा का एक इंटरफेस है उसको आप डाउनलोड करें, ठीक है। यूज ये भी इस वक्त वेब बेस्ड ही हो रहा है, जो आपके पास सामने इंटरफेस है वो भी वेब बेस्ड ही यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें क्लटर्डनेस नहीं है, ये जो आपकी नेविगेशनल बार है ये सारी नजर नहीं आ रही है, जो यहाँ पे ब्राउजर की होती है सारी जो नेविगेशनल चीजें होती हैं वो नजर नहीं आ रही है, बाकी सब चीजें नजर नहीं आ रही है, टैब्स वगैरह नजर नहीं आ रहे, तो एक आपको प्री फोकस्ड एरिया नजर आता है कि जिसका फिग्मा को यूज कर सकते हैं। दिस इज द फिग्मा बेसिकली। इसमें आपके पास जब सबसे पहला आप स्टार्ट करेंगे तो होम आएगा, आपके पास आपका यूजर नेम ईमेल एड्रेस वगैरह आएगा, आपके लेफ्ट पे ये पैनल है, राइट पे स्क्रीन है, स्क्रीन में कुछ ऊपर टॉप नेविगेशनल बार है, टॉप नेविगेशन में सबसे फर्स्ट लेफ्ट टॉप पे जो है वो है आपके पास यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। उसके बाद दूसरा सेक्शन है कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ वेरी बिग एरिया के जहाँ पे आप पूरा एरिया तमाम की तमाम चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी यूजर्स ने जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूट की है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ इंस्पिरेशन के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप इंस्पिरेशन पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी जो भी करंट फिग्मा में जो भी डिजाइन बन चुके हैं वो एज ए इंस्पिरेशन के तौर पर आपको नजर आ जाएंगी यहाँ पर सारी। आप अगर इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो जब फिग्मा में जो ये टूल्स हैं प्लगइन्स, आप प्लगइन्स जस्ट इमेजिन किए, प्लगइन्स जो हैं कितने सारे प्लगइन्स आपके पास हैं जिन प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। विजेट्स हैं, विजेट्स जो प्री मेड विजेट्स हैं जो आपके काम को अगेन ये सारी के सारी प्रोडक्शन वर्कफ्लो को आसान करने के लिए है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम बैक टू हम अपने देखें, अब ये देखें कि अगेन रीलोड हो रहा है पूरे एप्लीकेशन में, तो वापस आते हैं अपने कम्युनिटी को, इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लोर करेंगे कम्युनिटी में हमारे कौन कौन चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सर्च बार है, सर्च बार में आप देखें तो आपके पास जो भी करंटली अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है वो आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे या फाइल का नाम लिखेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, वो यहाँ पे फिल्टर टॉप आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोर कम्युनिटी जो है वो सेम वही चीज़ है, एक्सप्लोर कम्युनिटी जो हमने यहाँ पे जो हम यहाँ से गए थे सेम वही है, बस यहाँ पे इसमें शॉर्टकट किया हुआ, ठीक है। नोटिफिकेशन, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी, इस सब मेरे पास मेरे क्लाइंट की नोटिफिकेशन आई हुई है तो जो भी जो क्लाइंट की नोटिफिकेशन थी उस नोटिफिकेशन पर प्लेस कर दी कि वो उसने यूआई यूएक्स जो है वो बेसिकली मेरे हैंड ऑफ किया हुआ, तो उसको मैं कुछ उसके जो भी मैं इस पर काम करना मैंने काम करके उसको थ्रो किया था, उसने मुझे वाकई फीडबैक दिया, तो वो दिस इज द बेसिक नोटिफिकेशन एरिया। अच्छा, कुछ लोगों ने रेस हैंड किया है, अगर आप बताएं क्या सवाल अगर पूछना चाहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी, क्वेश्चंस? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये आप जो मुझे इंटरफेस मुझे दिख रहा है आपका, ये डिफरेंट है जो मैंने अभी खुद से इंस्टॉल किया है, ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि ये शायद आपका प्रोफेशनल किस्म का है और इसने मुझे जस्ट लाइक जैसे पेंट होता है उसमें हमने डिजाइन वगैरह खुद से करना होता है तो वो इंटरफेस मुझे ऐसे नजर आ रहा है, तो अगर इसको मैंने इंस्टॉल किसी डिफरेंट टाइप से करना है तो अगर आप वो हमें बता दें तो काइंडली ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ फिग्मा की वेबसाइट से जाके जो उसका जो इंटरफेस है वो डाउनलोड किया था। अगर आपके पास आ रहे हैं, I'm amazed कि वो क्यों नजर आ रहे हैं, ये पहले डैशबोर्ड आता है, सबसे पहले आप जब लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड आता है,
सॉफ्टवेयर जब खुलता है तो वो टूल्स बाद में आते हैं, जो पेंट पेंट टाइप के टूल्स हैं वो बाद में आएंगे, वो देखें जब मैं न्यू फाइल करूंगा तब वो आएगा। अगर आप देखें तो मेन डैशबोर्ड आपके पास आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो मैंने कुछ जी ये मेरे पास आ रहा था ओपन द डेस्कटॉप ऐप, तो मैंने उसमें लॉगिन किया, वो एक जस्ट वो इसी तरह की अनटाइटल्ड एक उसने पेज खोला, उसमें सारा वो, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं तो आप देख लें उसको, मुझे इसमें समझ नहीं आ रही क्योंकि ये बिल्कुल मेरे लिए नया। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता मुझे विंडोज का एक्सपीरियंस क्या है, मैं चेक करूंगा कि मैं विंडोज पे भी चेक ट्राई कर लूंगा कि विंडोज पे कुछ डिफरेंट तो नहीं है। प्लीज आप लोग अगर कुछ दोस्त अगर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं तो बता दें उनके पास सेम स्क्रीन आ रही है डिफरेंट आ रही है, ये क्या वजह है? कुछ लोगों ने रेस किया है, सलाम सर। जी आवाज आ रही है जी सर, मुझे ये पूछना था कि आई जस्ट ट्राइड यूजिंग दिस वंस एंड इट्स एन अमेजिंग ऐप एंड थैंक्स टू यू फॉर गाइडिंग अस एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू नो, एक तो ये है कि इसमें देखा था कि ये CSS प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके अलावा भी कोई और कोड स्निपेट ये एक्स्ट्रैक्ट करने देता है या नहीं, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये है कि जो क्लाइंट फीडबैक है वो क्या सिंपली उनको उनका ईमेल एड्रेस ऐड करके वो प्रोजेक्ट को असाइन कर दे, तो उस तरीके से दे कैन व्यू योर प्रोजेक्ट एंड आल्सो गिव फीडबैक, कैन यू जस्ट शो दैट सेक्शन? ये दो सवाल थे। ओके जी, इसके अलावा अच्छा देखिए इसका पहले मैं जवाब दे दूं, देखें तीन कोड्स आपको डेवलप जनरेट करके देता है, एक CSS करके देता है व्हिच इज यूनिफाइड फॉर रिएक्ट और जितने भी मॉडल्स हैं उसके लिए CSS जनरेट करके देता है, सेकंड जो है वो एंड्रॉइड का कोड जनरेट करके देता है जावा का, थर्ड जो है वो स्विफ्ट का कोड जनरेट करके देता है, और तीन प्लेटफॉर्म्स के अवेलेबल। इसके अलावा थर्ड पार्टी प्लगइन्स अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहें तो आप जनरेट कर सकते हैं, बट तीन बेसिक्स हैं CSS, एंड्रॉइड, जावा एंड द स्विफ्ट, ये तीन चीजें जनरेट करती है। और जो थर्ड सेकंड सवाल पूछ रहे थे वो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वो हम जब कोलैबोरेशन का देखेंगे, जब हमारे पास देखिए हमारे पास जब इंटरफेस बन जाएगा मैं आपको बना के दिखा दूंगा, आप बना लेंगे तब कोलैबोरेशन करने में, हम मैं स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करूंगा या मैं कोई प्रोजेक्ट दूंगा, मिसाल के तौर पर चार अगर हम इन फ्यूचर जैसे एक सिनेरियो सिमुलेशन रन करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को स्प्लिट आउट करते हैं और एक प्रोजेक्ट दो चार प्रोजेक्ट्स देते हैं और चार प्रोजेक्ट को मल्टीपल कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट यूज करें तो वो एक मजा आएगा। अभी इस समय इंडिविजुअली लॉग इन हूं तो मैं आपको कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट दिखा नहीं सकता ना, मेरे पास यूजर्स रियल टाइम होने चाहिए। सो दिस इज द बेसिक ऑब्स्टिकल फॉर मी टू बेसिकली to present the, all the things which is relevant to the product collaborative environment. So, ye cheeze jo hai ye hum usko inshallah future mein discuss karenge, ye thoda advanced topics hai please, theek hai? Uske alawa koi question? Assalam alaikum sir. Assalam sir, ye maine abhi download kiya hai, same aa raha hai jaisa aapka hai na, bilkul same as it is mere paas bhi hai, theek hai? To hamare host ke sath problem kar raha hai, I don't know unke sath kya issue hai, kya to shayad windows ki problem hai, I don't know. सर मेरे पास ही विंडोज ही है सर। विंडोज ही यूज कर रहे हैं ना? ठीक है जो आप क्वेश्चन कोई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, मेरा सवाल ये था कि हम फिग्मा से कैसे अर्न कर सकते हैं? फिग्मा से अर्न कैसे कर सकते हैं? देखें किसी भी टूल से आप अर्न नहीं कर सकते, आप अपने टैलेंट से अर्न कर सकते, आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए कि जिस टैलेंट, अब मैं आपको बोलूं कि विजुअल स्टूडियो से आप क्या अर्न कर सकते हैं, तो विजुअल स्टूडियो तो एक पूरी दुनिया अलग से, उसको यूज कैसे करना है, उसमें क्या कौन सी सॉफ्टवेयर की कोडिंग करनी है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी आपको आती है, उससे आप कैसे कर सकते हैं, सवाल ये होता है, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आपको आप किसी भी टूल से अर्न नहीं करते, आप अपने टैलेंट से अर्न करते हैं, आपके पास टैलेंट क्या है, आप कितना अच्छे डिजाइनर हैं, आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, उससे आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। सर आई थिंक और किसी का क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा ये टूल्स है हमारे पास, ये देखें इस पे कुछ रीसेंट है, जो भी रीसेंट प्रोजेक्ट हम यूज किए वो रिसेंटली व्यू नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ 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 ड्राफ्ट्स हैं,
ड्राफ्ट समझ बेसिकली रिसेंट के नीचे ही ड्राफ्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि प्री मेड समझना एक टेम्पलेटिंग है, टेम्पलेट्स जैसे होते हैं और टोटल टेम्पलेट्स हैं वो बने हुए हैं आपके सामने, कुछ प्रोजेक्ट्स के रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स के यूज हुए हुए हैं या जो आपने प्लगइन्स इंपोर्ट किए हैं, जो आपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरा कोई प्रोजेक्ट है, अगर मैं उस प्रोजेक्ट को रन करूँ वो अगेन ये दिस इज वेरी अनोइंग, ये चीज़ होती है बेसिकली फिग्मा में जो कि लोड होता है। ठीक है, तो ये आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि सब प्रोजेक्ट्स, ये करंटली एक प्रोजेक्ट है जो कि डिज़ाइन हुआ है, तो वो लोड कर दिया उसने जो डीज हुआ था, आप इसको बर्न कर दिया। ठीक है, तो रिसेंट में बेसिकली ड्राफ्ट इज अ प्रीमेड टेम्पलेट्स, हम फ्यूचर में अपने टेम्पलेट्स बना के हम शेयर भी कर सकते हैं यूजर के साथ, और किसी यूजर ने शेयर किया हो तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं, हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे यूज होता है। ठीक है, ये व्यू प्लान बेसिकली आपसे पैसे मांग रहे हैं, जितने पैसे आपके पास, आप जो प्लान लेना चाह रहे हैं वो प्लान खरीद सकते हैं। फेवरेट फाइल्स, किसी भी फाइल को अगर आप फेवरेट में ऐड कर देंगे तो वो यहाँ पर सेपरेटली आपको जो है फिल्टर करके दिखा रहा होगा कौन कौन सी फाइल आपकी मोस्ट फेवरेट है, जिस पर आप रिसेंटली काम कर रहे हैं वो फेवरेट है। ये सारी चीज़ें तब हैंडल होती हैं जब आप एक लार्ज प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे यूज कर रहे हैं। टीम्स इज अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, आपको भी नई टीम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्टीपल टीम्स बनाना चाह रहे हैं, मल्टीपल टीम्स में काम कर रहे हैं, मेरा एक क्लाइंट है उसकी एक अलग टीम है, मैं डिज़ाइनर हूँ, दूसरा क्लाइंट है उसकी अलग टीम है, मैं उसका भी डिज़ाइनर हूँ, तो मल्टीपल टीम्स का हैंडल करने के लिए यहाँ पर टीम्स यूज कर सकते हैं। मैंने अपने प्रोफेशनल जो इस वक्त तरफ की प्रोजेक्ट्स में रख कर रखा हूँ वो लॉग इन मैंने करके सीखा है, सिर्फ फ्री एक टूल यूज करके, ताकि आपको सारा वही इन्वायरमेंट मिले, वरना बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये लॉग इन, ये यूजर बेस जो है बेसिकली मेरे बिल्कुल टेस्ट एंड रन के लिए, जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज द टीम एरिया, टीम को हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में देखेंगे। ये तमाम के तमाम फाइल्स जो हैं वो आप अगर कोई भी फाइल अगर आप कोई भी फाइल अगर आप खोलते हैं उस फाइल को आप टीम के अंदर मूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राइंग टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप कोई टूल ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं तो आपको हैंडल कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ लेगा, चला मैं फ्यूचर में फिर आपको उसके जवाब दे। इम्पोर्ट फाइल क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फाइल अगर इम्पोर्ट करनी, फॉर एग्जाम्पल अगर फिग्मा का प्लस पॉइंट ये फिग्मा जो है वो एडोबी एक्सडी और Adobe XD का ज्यादा तो, लेकिन स्केच की फाइल्स भी इंपोर्ट कर लेता है, यानी स्केच अगर आप एक स्केच यूजर हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्केच यूजर हूं और मैं ऑलरेडी स्केच यूज करता हूं, फिग्मा मैं इस वक्त रिसेंटली स्विच हुआ हूं, अब मुझे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्केच पर ड्रॉ हो रहे हैं बने में, तो वो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता हूँ स्केच की फाइल। ठीक है, तो वो जितने भी स्केच की फाइल्स हैं वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएंगे, वो प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट वो इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, लेकिन ये चूंकि स्केच जो ऑलरेडी यूज टूल्स हैं आप लोग का नए यूज है, तो इसलिए फिलहाल ये रिलेवेंट नहीं है। अच्छा जी, आज इसके बाद हम फिग जैम क्या है, पहले हम फिग जैम को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं सरसरी तौर पे, और उसके बाद देखते हैं कि फिग्मा को कैसे बोलते हैं। फिग जैम जो आप खोलते हैं आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड आ जाता है, दिस इज द व्हाइट बोर्ड, में छोटे छोटे ग्रिड के आपको पॉइंट नजर आ रहे होंगे, ये पूरा इंटरफेस है सामने, इस इंटरफेस में काम करता हूँ मैं कोई पढ़ती जब आप कोई भी टूल खोलेंगे न्यू खोलेंगे तो आपके सामने सिंपल ये कैनवस आ रहा होगा, ग्रीन कैनवस आ रहा होगा, इस कैनवस में आप एक व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहें, कोई शेप प्लेस करना चाहें, कोई इमेजेस प्लेस करना चाहें, वो आप सब चीज़ें यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए हम उसको देख रहे थे, देखिए ये तो कन्वेंशनल आपके जो टूल्स हैं फाइल एडिट व्यू ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट, ये सारे के सारे कुछ मेन्यूज हैं, क्या हम जैसे जैसे यूज करेंगे देखते हैं अभी इसको थोड़ा सा। ये टाइमर है, टाइमर का टूल है, टाइमर टूल क्या करता है बेसिकली इट्स अ प्लेन टाइमर टूल, सिर्फ टाइम शो करता है, और जब आप उसको रन करते हैं तो आपके पास टाइम फ्रेम होता है। होता क्या है कि जो अगेन मैंने आपसे डिस्कस किया था प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है एक मेथड है जिससे हम एजाइल कहते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पर सबको पता होगा उसको थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। एजाइल में
में जो बेसिकली हम डिजाइन डिसिप्लिन में हम स्प्रिंट्स यूज करते हैं। स्प्रिंट पे टाइम फोकस्ड होता है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो वो ये बेसिकली टाइमर ये दिया हुआ है कि आप कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट से आपका 10 यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो 10 यूजर्स जो है एक बंदा जो है स्प्रिंट जनरेट कर रहा है तो वो स्प्रिंट का टाइम रन कर देता है यहाँ से, और वो टाइम के बाद वो अलार्म बजना शुरू करता है। तो दिस इज एक विजेट है समझने छोटा सा टूल है जो कि यहाँ पे यूज होता है, इसका प्रोफेशनल वर्क फ्लो में ये काम होता है। उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग आप करा सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी एनवायरमेंट पे आप वोट करा सकते हैं कि जो भी एक आपने एक पूरा स्प्रिंट बना दिया तो उस स्प्रिंट पे हम वोटिंग एंड में करते हैं कि आप स्प्रिंट से इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, तो यूजर्स जो है वो वोट करते हैं, वोटिंग का टूल है पूरा। अच्छा ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। यहाँ पे आप ये आपका स्क्रीन में टेम्पलेट्स बनी हुई हैं वर्कशॉप्स की, फन प्लानिंग रिसर्च एंड डिजाइन जर्नी मैप्स वगैरह की, सारी ये सारे यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस के एरियाज हैं जिनको आप एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप प्रोफेशनल वर्कफ्लो में यूज करते हैं तो सारी की सारी चीजें अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनानी तो आप एक टेम्पलेट को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट्स हो गए, फ्लो चार्ट हमने देखा होगा, डायग्राम्स हो गए, टीम मीटिंग्स हो गई, या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप शुरू में कोई भी आइडिया जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये टैम्पलेट्स हैं, ये टैम्पलेट्स हैं यहाँ। देखिए ये अगेन ये टैम्पलेट फिगजैम की है, फिगजैम एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, फिगमा एक अलग एरिया है। फिगजैम हम सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर हम काम कर रहे हैं, कमेंटिंग किसी भी चीज़ पर कमेंट करना, कोई भी जब हमें कमेंट करना है तो हम वो कमेंट कर सकते हैं कहीं भी। मैं अभी बताता हूँ आपको ये कैसे यूज होता है। अच्छा ये बेसिकली ड्राफ्ट, ये यूनिफाइड आपके पास फिगजैम और फिगमा में। ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पे आप कोई भी फाइल का नेम आप दे सकते हैं, इसमें फाइल का नेम मूड बोर्ड है तो वो आप फाइल का नेम शो होता है, अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा डुप्लीकेट, रीनेम, मूव टू प्रोजेक्ट, कोई भी अगर आपके पास प्रोजेक्ट टीम आपके बनी हुई है तो मूव टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिगमा ये फिगजैम की फाइल है, इसको आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, यानी आप सेव भी कर सकते हैं अपने मशीन पर, तो फिगजैम की फाइल जो होगी वो फिगजैम के नाम से वो सेव लोकल कॉम, ठीक। तो वो फाइल आपके पास सेव हो जाएगी, आप आपको शेयर कर सकते हैं। अगेन जो भी यूजर होगा वो जब ओपन करेगा तो उसके क्लाउड सर्वर पर जाके इंपोर्ट हो जाएगा, यानी उसके सर्वर उसके उसके क्लाउड हो जाएगा। ये आपका यूजर नेम वगैरह है, शेयर यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप यूजर्स को इन्वाइट कर सकते हैं कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, कितने लोगों को आप इन्वाइट करना चाहिए उनके साथ शेयर हो जाएगा स्क्रीन आपकी। या आप कॉपी, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी लिंक करके अगर आप किसी को ईमेल करेंगे तो वो जब आप किसी भी टाइम पर इन्वाइट करेंगे तो वो आपका पिक्चर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। या शेयरिंग की बाकी नीचे आ जाते हैं, नीचे जो है आपके पास सेलेक्ट टूल है। सेलेक्ट टूल इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। किसी भी टूल किसी भी शेप को सेलेक्ट करना, अगर आप कोई शेप बनाते हैं उस शेप को सेलेक्ट करके मूव करने के लिए आप सेलेक्ट टूल यूज करते हैं, ठीक है। हैंड टूल इज अ पैनिंग टूल, दिस इज पैन टूल, पैन पी ए एन नॉट पी ई एन। आप किसी भी कैनवस पे जब कैनवस को आपको मूव करना हो तो आपके लिए ये पैन टूल है। अच्छा ये शॉर्टकट्स की थोड़ी सी जानना जरूरी है, जब भी मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मैं पेन कर सकता हूँ, यानी होता क्या है कि जब प्रोडक्शन वर्कफ्लो में काम कर होते हैं तो हम कट की ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार टूल को सेलेक्ट करना फिर दूसरे टूल को सेलेक्ट करना इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस ना। तो पेन टूल जो है तो पेन का जो है वो स्पेस बार है शॉर्टकट की, और एरो की ज़्यादातर जनरली तमाम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में वी शॉर्टकट की वी जो होती है वो होती है। कुछ चीज़ों को शॉर्टकट्स आपको जानना जरूरी होगी क्योंकि ताकि आपका वर्कफ्लो जो है वो इजीली ड्रॉ हो सके, ठीक है। ये जो है बेसिकली मार्कर्स, जब आप से क्लिक करते हैं तो आपके पास मार्कर्स टूल्स आ जाते हैं। मार्कर अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कोई कस्टम शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ज़रा जूम कर दूँ, ये शेप आप ये जो है बेसिकली पेन जो मैंने मार्कर से ड्रॉ किया था ये वो ड्रॉ हुआ है। मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ, किसी भी शेप को जब आप सेलेक्ट करेंगे या किसी भी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो आप उसके
बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी वेट कितनी मोटी रखनी है वो मोटी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा पेन में भी फिर आपके पास वैरायटीज है, आपका बेसिकली स्टिकी नोट के हाइलाइटर है, कोई भी टेक्स्ट अगर होगा उस टेक्स्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो एज अ हाईलाइटर बिहेव करेगा। इस वक्त मेरे पास कंट्रोल सेलेक्ट हो जो है मार्कर टूल सेलेक्ट हुआ, जैसे ही मैं वी प्रेस करूंगा अगेन वो एरो पे चला जाएगा। अब मैं उसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी वेट बढ़ा सकता हूँ। तो देखें ये हाईलाइटर पे कॉपी यूज होते हैं, ठीक है। फिर ये बेसिकली स्टिकी टेप है, बेसिकली ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जो जनरली आप अगर मैनुअल एनवायरनमेंट में, यानी अगर आप कैनवस पर अगर आप नोटबुक्स पे काम कर रहे होते हैं या आइडियाज पे काम करते हैं तो वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इरेजर जो है अगेन वो इरेज कर सकता है पूरे शेप को, कंट्रोल जी कंट्रोल जेड अगर आप प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा। मैक में कमांड जी है, कमांड जी से जो है वो आप अंडू हो जाता है, टूल्स हैं, ठीक है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगी बात, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है इसमें यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास दिस इज ए बी सी डी, अगेन आपके पास रेफरेंस के लिए बुक भी है, बुक पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये बेसिक शेप्स हैं, शेप्स ड्रॉ करने के लिए कोई भी शेप अगर आप नया शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उस शेप को ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये टूल्स हैं, ये शेप्स की ये कलर्स हैं शेप्स के। मिसाल के तौर पर मैं ओवल शेप ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैंने पेन से मूव किया, मैंने यहाँ पे ओवल शेप ड्रॉ किया, जनरली ड्रॉ करूँगा तो वो इक्वल रेशियो के साथ नहीं होगा, शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूँगा तो इक्वल रेशियो के साथ ड्रॉ होगा, यानी सर्कल जो है इक्वल रेशियो के साथ ड्रॉ हो रहा होगा। फिर उस शेप का मैं बिहेवियर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे सर्कल नहीं मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर हो जाएगा। शेप का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अगर नो फिल करूंगा तो सिर्फ आउटलाइन आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट करूंगा तो जो शेप है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पीछे से कोई भी नया शेप होगा वो रिवील होगा, ठीक है। उस शेप की अगर मैंने आउटलाइन बनानी है तो वो शेप फॉर एग्जांपल अगर मैं नो फिल करता हूँ यहाँ पे, मैं उसकी लाइंस जो है जो आउटलाइन है वो डैश डैश लाइंस हैं, स्क्वायर सॉलिड लाइन है, अच्छा मैं जूम जो कर रहा हूं देखें जूम को थोड़ा सा देख ले, मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूं, आप यहां से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं टॉप राइट से आप देख लें, लेकिन मैं शॉर्टकट किया यूज करता हूं जब मैं स्पेस की और जो कमांड की है मैक की और आपके मेरे ख्याल से ऑल्ट की हुई शायद, आप ऑल्ट की साथ प्रेस करेंगे तो जूम होगा, यानी स्पेस इज अ पेन कमांड या ऑल्ट की जो है वो कीबोर्ड की जो करेंगे तो जूम, इससे आप जूम कर सकते हैं कितना जूम करना चाहिए, और उसके साथ अगर आप कंट्रोल प्रेस कर देंगे और मैक में ऑल्ट की होती है तो आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, इन चीजों का आप आदि अपने आप को आदि कर दें, यानी वी इज फॉर एरो टूल, बार बार मुझे पेन वी एरो एरो आपका होना चाहिए, पेन से मैं पेन इन कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट, पेन जूम इन जूम आउट, पेन जूम इन जूम आउट, ताकि इजिली आप कैनवस पे जा सकें। ये फिग्मा में भी सेम एप्लीकेशन सेम रूल्स अप्लाई है, तो ये शॉर्टकट की आपको एटलीस्ट एटलीस्ट जरूर आनी चाहिए, वरना बड़ा मसला होगा आपके लिए। आप फॉर एग्जांपल अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप एरो की करें फिर आप पेन से आप इस तरफ चले गए, अब आपने जूम किया आप इधर ही चले गए, फिर आप पेन से यूं जा रहे हैं फिर पकड़ के जा रहे हैं, उसके बाद जूम आउट करना है तो फिर आपने जूम आउट यूं करना है,
तो ये शॉर्टकट कीज जो है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं इंसान को यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिक शेप्स हो गए। उसके बाद स्टिकी नोट्स, देखें कोई भी कहीं भी मैं अगर मैं स्टिकी नोट प्लेस करना चाह रहा हूँ क्योंकि कैनवास हम बहुत बड़ा यूज कर रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए जरा सा मसला हो रहा है। स्टिकी नोट्स हैं, ये स्टिकी नोट्स वही होते हैं जो आप फिजिकल स्टिकी नोट्स होते हैं, आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, एंटर कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो स्टिकी नोट आपका परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर आपको दो डबल स्टिकी नोट चाहिए, यानी दूसरा स्टिकी नोट फॉरन चाहिए, तो अगर आप ऑल्टर प्रेस करेंगे, ऑल्टर प्रेस करके विंडोज में और मैक में कमांड प्रेस करेंगे, तो आप जब उसके साथ जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो दूसरा स्टिकी नोट फॉरन क्रिएट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है इसकी, यहां से आप जो है वो टेक्स्ट को टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उसके स्टिकी नोट के कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रीब्यूटर है उसको शो हाइड कर सकते हैं, ताकि अगर मिसाल के तौर पे ये होता है किस लिए कि जब आप नहीं कोई भी चीज बनाई है, लेट्स सपोज अगर मैंने कोई मूड बोर्ड बनाया है, अच्छा मूड बोर्ड क्या होता है मैं बताता हूँ, तो उस पर यूजर ने स्टिकी नोट प्लेस कर दिया कि भाई इस चीज के बारे में मेरा ये ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मूड बोर्ड डिजाइन किया, उस मूड बोर्ड पे किसी ने अपना कोई एक्सप्रेशन देना है कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, कोई भी कमेंटिंग करनी है, तो स्टिकी नोट भी प्लेस करता है, अदरवाइज तो कमेंट्स में भी प्लेस कर सकता है। बट स्टिकी नोट क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, क्लटर्ड हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट फील्ड आप कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट करना है स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, क्रिएट लिंक, अगर आपको लिंक पूरा यूआरएल बनाना है तो आप पूरा यूआरएल भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बट जो वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है उसको हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। बुलेट्स, कोई भी मल्टीपल चीजें आपके बुलेट पॉइंट्स करनी है तो बुलेट पॉइंट्स आपको आगे आते होंगे स्टिकी नोट्स में। तो ये बेसिकली स्टिकी नोट्स का अपना पर्पस। अच्छा जी, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये तो जो भी लास्ट मैंने कोई भी टेम्पलेट इम्पोर्ट की हो या कोई चीज यूज की होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगेन आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा एक पैनल ओपन कर देगा आपके सामने, जिसमें आप स्टिकर्स, टेम्पलेट्स, विजेट्स, प्लगइन्स, वो सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर एडवांस टॉपिक, इसको हम थोड़ा अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट इज द प्लेन टेक्स्ट टूल। अगर आप कोई भी टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आप स्किप कर जो भी चीज आपने सिंपल आपने टेक्स्ट यूज किया, टेक्स्ट को आप प्लेस करेंगे तो टेक्स्ट आपने प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे कमेंट देना चाहता हूँ, दिस इज प्लेन टेक्स्ट, मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक प्लेन टेक्स्ट प्लेस किया। बेसिक स्टाइलिंग है आपके पास वो है, कलर्स चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारे जनरल बोल्ड वो सब चीजें आप यहाँ हैं। तो टेक्स्ट इज अ प्लेन टूल। अच्छा एरोज टू कनेक्टर्स, एरोज ये थोड़ा सा सिंपल लाइन टूल, इज अ लाइन टूल, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहें तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट ड्रॉ होगा, जनरली ड्रॉ करेंगे तो शिफ्ट भी करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगे, तो भी अगर लाइन आप ड्रॉ करें। ठीक
ठीक है जी। कनेक्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स को हम भी देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई फ्लो चार्ट बनाने चाह रहा हूँ या यूजर फ्लो बनाने चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको यूजर फ्लो दिखा सकूँ, देखिए जैसे ये यूजर फ्लो है, ठीक है। तो यूजर फ्लो बनाने के लिए मुझे अगर शेप ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जब भी मैं रेक्टेंगल लूं यहां से, यहां से हमने पूरी शेप को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने मूव किया आगे, तो मैंने किया और यहां पे मैंने शेप को चेंज किया, फॉर एग्जांपल तो देखें, अगर आप देखें गौर से, जैसे मैं एरो पे प्रेस करता हूं तो यहां पे ऑटोमेटिकली बीच में कनेक्टर ड्रॉ हो रहा है। ये फ्लो चार्ट्स में बना रहा हूं बेसिकली, फ्रॉम स्क्रैच बनाता हूं, इसी शेप को फ्रॉम स्क्रैच बनाता हूं। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, सेलेक्ट किया यहां से, स्टार्ट पे क्लिक किया, दूसरा शेप मैंने ड्रॉ किया शॉर्टकट की के थ्रू, अब ये दो शेप हैं, दोनों के बीच में कोई कनेक्टर नहीं है, लाइन नहीं है। इसके लिए ड्रॉ करने के लिए या तो क्लिक करके सिंपल इस शेप को डुप्लीकेट करके शेप चेंज करता हूँ, या मैं डायरेक्टली इस कनेक्टर को सेलेक्ट करूँ और यहां से मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस शेप को ड्रॉ कर दूँ, तो ये कनेक्टर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अब मैं शेप को जहां भी मूव करूंगा वो कनेक्टर उसको फॉलो करेगा। इसी कनेक्टर पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ, मैं डबल क्लिक करूंगा, तो वो यहाँ पर मैं कमेंट टेक्स्ट दे सकता हूँ। बेसिकली ये शो हो रहा है, मैं इसका फ्लो चार्ट बनाना, स्टार्ट टू फ्लो कंटिन्यू। उसके बाद अगेन दूसरा शेप मैं ड्रॉ करता हूँ, ऐसे डायमंड देता हूँ, शेप को मैंने कनेक्ट कर दिया। नया शेप बनाया मैंने यहाँ पे, इसी को मुझे कॉपी करना है। अच्छा, कॉपी करने के लिए आपको सिंपल मेथड है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो वो ऊपर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अगर आप रियल टाइम कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट आप ऑल्टर प्रेस करके अगर आप मूव करेंगे तो वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। इसको मैं ड्रैग करके कॉपी कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी तरह चेंज कर दिया, बेसिकली एक जनरल फ्लो चार्ट सम बना रहे हैं। इसको यहां से कनेक्ट किया, इसको
ठीक है। तो आप अगर देखें इसको, हम फ्लो चार्ट्स के तौर पे यूज कर रहे हैं इसको। अगर मैं मल्टीपल लाइंस को सेलेक्ट करना चाहूं तो मैं सिंपल लाइन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरी लाइन को सेलेक्ट किया, तीसरी लाइन को सेलेक्ट किया, चौथी लाइन को सेलेक्ट किया और मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, तो सारी की सारी लाइन एक साथ बोल्ड होगी। अब अगर मैं इसको मूव करूँ देखें तो ये फॉलो कर रहा है। तो बताने का मकसद ये बेसिकली ये कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं। आपने सिंपल कनेक्टर को सेलेक्ट करना है, डिलीट प्रेस करना है, उससे जो है कनेक्टर रिमूव हो जाएगा, कनेक्टर आपस में इसका लिंक जो है टूट जाएगा, आप दोबारा से दोबारा कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो पूरा फ्लो चार्ट आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट की टाइप की ही कोई चीज़ होती है, सब यूजर फ्लो कहते हैं। अच्छा, यूजर फ्लो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। सबसे पहले मूड बोर्ड बताता हूं। मूड बोर्ड क्या होता है? इसलिए मूड बोर्ड कोई भी यूजर इंटरफेस डिजाइन करने से पहले इंस्पिरेशन के लिए जो हम रेफरेंस इमेजेस लेते हैं उसका मूड बोर्ड कहते हैं। कि जैसे मैं कोई एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहा हूँ तो उसमें मैं मूड बोर्ड बता रहा हूँ कि भाई मुझे कलर्स तकरीबन ये चाहिए, मूड्स ये चाहिए, इमेज की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, टिपोग्राफिक ट्रीटमेंट मुझे इस तरह से चाहिए और मैं कोई अपने स्टिकीज में यूज करना चाह रहा हूँ, कोई कार्टून एनिमेशन यूज करना चाह रहा हूँ या मैं टिपोग्राफिक ट्रीटमेंट यूज करना चाह रहा हूँ। तो वो बेसिकली रफ आइडिया के लिए होता है कि ये चीज़ें जो है मेरी इंस्पिरेशन है यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। दिस इज कॉल्ड सिंपली मूड बोर्ड। ये मूड बोर्ड होता है। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन करने से पहले डिजाइनर्स जनरली अपना मूड बोर्ड बनाते हैं तमाम। यूजर फ्लोस क्या होते हैं? यूजर फ्लो कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले जब यूजर्स के लिए की यूजर स्टोरी जो होती है, यानी यूजर पहले कहाँ आएगा, यानी होम पेज पे आएगा, तो हम पहले यूजर का होम पेज का वो बनाते हैं यूजर फ्लो। इसी तरह से यूजर फ्लोस बनाए थे फ्लो चार्ट की सोचने के, पहले वो यूजर जो है होम पेज पे आएगा, उसके बाद अबाउट अस पे जाएगा, अबाउट अस के बाद वो कोई भी सब लिंक ढूंढेगा। तो वो जो फ्लोस बनाए जाते हैं सिंपल इन केस उसको हम यूजर फ्लोस कहते हैं। दिस इज द यूजर फ्लोस। पर्सोनास एक अलग चीज है। इट्स यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन सब्जेक्ट। पर्सोनास बनाए जाते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बिल्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे मेरी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट जो है वो खवातीन की है। अब वो खवातीन किस जेंडर, किस किस एज ग्रुप की है, कौन कौन से एज ग्रुप को कवर करती है, फिर उन एज ग्रुप्स की एक विजुअल एक फिक्टिशियस एक कैरेक्टर बनाया जाता है या फिजिकली जाकर यूजर से पूछा जाता है उनके नाम, उसका एज, उसके ऑक्यूपेशन, वो सब चीजें प्लेस करके एक यूजर रिसर्च बनाई जाती है। इसे पर्सोनास कहते हैं कि कौन कौन से पर्सोनास जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वेबसाइट क्रिएट, वेबसाइट के टारगेट ऑडियंस के लिए। तो उससे होता ही है कि हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है कि हम किन किन टारगेट ऑडियंस को फोकस कर रहे हैं और उन टारगेट ऑडियंस का क्या क्या रिव्यूज है इसके बारे में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर्सोनास। ठीक है जी। अच्छा जी, अब रियल टाइम एनवायरनमेंट से भी एक चीज मैं बता दूं कि एक चीज होती है जब आप पिकजैम में ई प्रेस करेंगे तो आपके पास एक रेडियल मेन्यू खुलेगा। उस रेडियल मेन्यू में जब आप ऊपर टॉप क्लिक करेंगे तो ये स्टिकीज है, ये बेसिकली एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मेरे क्लाइंट को बोलते मैं ये आइडिया शो किया, उस आइडिया उसको पसंद आया, तो वो अब वो क्लाइंट क्या कहेगा, वो आइडिया कहेगा कि भाई ये इट्स ए गुड, इट्स वेरी लवली, तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा कि यूजर ने या मेरे टारगेट मेरा क्लाइंट ने उसको लाइक किया। या बेसिकली दिस इज ऑल एक्सप्रेशंस। अगर एंगर है तो बोलेगा इट्स हॉट एंड फायर। टेक्स्ट पे वो यहाँ पर वो रियल टाइम पर टेक्स्ट दे सकता है। ठीक है, उसको रियल टाइम पर टेक्स्ट, मुझे यूजर मल्टीपल कोलैबोरेटिव मेंबर टेक्स्ट नजर आएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है ई के नाम से, ई मेन्यू। ठीक है, टैपिंग करेंगे तो टैपिंग ऊपर, ये रेडियल मेन्यू है। इसके साथ स्टैंप है। अगर मैं इसको बिल्कुल परमानेंट कर दूं, दिस इज वेरी कूल, मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ दिस इज फिक्स एनवायरमेंट, तो वो स्टैंपिंग कर देगा यहाँ पे।
इससे होगा ये कि तमाम के तमाम जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है मुझे पता चल जाएगा कि यूजर ने किसको लाइक किया है, किसको डिसलाइक किया है। तो ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट व्हाइट बोर्ड का एक पूरा पूरा बेसिकली। ठीक है जी, सिलेक्शन सेक्शन। सेक्शन क्या है कि आप मिसाल के तौर पे ये है, ये कुछ शेप मैंने एलिमेंट्स किए थे, यूज किए थे, उसके बाद दूसरा शेप मैंने यूज किया था, उसके कलर चेंज कर दिए थे। इस पूरे एरिया को मैं सेक्शन के तौर पर यूज करना चाहिए, पूरे एज अ ग्रुप यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेक्शन को फेस करूंगा सिंपल, और वो तमाम का तमाम एक ग्रुप हो जाएगा। अब जो है जब मैं सेक्शन को मूव करूंगा, सेक्शन में ये सारे एरियाज आना जरूरी है। ठीक है, मैं जब सेक्शन को मूव करूंगा, इट्स अ ग्रुप सेट बेसिकली। इस ग्रुप सेट का मैं कोई भी नाम रख सकता हूं, ये ग्रुप सेट मल्टीपल यूज करते हैं, इसको हम एडिट इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं यहां से। तो बेसिकली वेरी इजी टू यूज, बेसिकली वेरी कन्वीनियंट। ठीक है जी, अच्छा यहां तक हम फिगजाम को बेसिकली कवर कर चुके हैं तकरीबन। जो एडवांस टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो जब कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट देखेंगे तो उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह टाइम पूरा हो गया, आपको क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं प्लीज। सलाम सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह ये हम डिजाइन कर रहे हैं तो क्या इसकी एक सेपरेट फाइल बन जाएगी जिसमें हम जो हमारी जैसे नेक्स्ट डेज की एप्लीकेशन के कुछ डेटा है वहां से जो हम उसको वेबसाइट पर अपनी डिजाइन करके डिस्प्ले करना चाहते हैं वाया एपीआई या वाया हार्ड कोडिंग जो भी है, तो वो हम किस तरीके से इन बॉक्सेस में डिस्प्ले करवा सकते हैं? आप रिपीट कीजिएगा किस तरह क्या करना चाह रहे हैं आप बेसिकली? सर जैसे हमने नेक्स्ट डेज के थ्रू अपनी एक वेबसाइट तैयार की है, ठीक है, उसमें हमारा डेटा है, डायनेमिक डेटा है, वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अब वो हम इस पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इस टेम्पलेट पे, मतलब जैसे हमने डिजाइन किया है यहाँ पे, तो उसको किस तरीके से एसोसिएट करेंगे इस तरह? नहीं, डायनेमिक डेटा के लिए तो नहीं है, दिस इज अ बेसिकली सिंपल प्लेन व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट के तौर पर, कोई भी डायनेमिक डेटा के लिए तो आपको कोई अपना कस्टम प्लगइन या विजेट बनाया तो आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता। यहाँ पे कोई भी डायनेमिक डेटा भी पेस्ट कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली समझ लें एक आपके पास जैसा व्हाइट बोर्ड होता है ना, जनरली फिजिकली व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड पर आप जो है जब आइडियाज दे रहे होते हैं, जब आप कोई भी चीज फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं और आपके सामने आपका आपके जो है वो टीम बैठी हुई होती है, टीम को ब्रीफ कर रहे होते हैं, दिस इज द ब्रीफिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली। यहाँ पे आप ब्रीफ करने के लिए यूज होता है, प्रेजेंटेशंस वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। जी जी जी, प्रेजेंटेशंस आप ले लें या कोई भी चीज को समझाने के लिए बेसिकली व्हाइट बोर्ड पे तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बेसिकली सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं बेसिकली सर वेबसाइट के डिज़ाइन के लिहाज से सोच रहा हूँ, तो जिस बेसिकली नेव बार होता है, लेफ्ट पे लोगो होता है, राइट पे अप्लाई का मतलब उस साइड पे, तो वो एक एडवांस टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी तो बेसिक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जैसा वो विंडोज में पेंटिंग नहीं करते, उस टाइप की कोई चीज़ लग रही है। तो नहीं नहीं, देखिए वो जब आप फिगमा यूज करेंगे ना, फिगमा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये फिगजैम मैंने कवर करा आपको। फिगजैम देखिए, फिगजैम एक इम्पोर्टेंट टूल है आपको। देखें होता है क्या है कि जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं अपने आइडिया को, तो आपके पास क्या मीडियम है, आप कैसे आइडिया को प्रेजेंट करेंगे कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ये इमेज अच्छा है, पसंद आया। जनरली आप अगर जूम वगैरह पे मीटिंग कर रहे हैं तो जूम वगैरह पे आप स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो फिगजैम एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है जिसमें आप अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उस आइडियाज के लिए कुछ टूल्स हैं जो कि आपको फिगजैम में दिया हुआ, बाकी जो प्रॉपर जो नेविगेशन बार और यूआई यूएक्स जो टोटल है वो फिगमा का है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल के साथ चलते हैं। सर एक और सवाल भी है कि ये बेसिकली हम फिगमा में जो भी डिजाइन करेंगे वो डायरेक्ट
एक स्टूडेंट ने भी कहा था कि वो चाकरा में या उसमें सीएसएस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा है कुछ है? इसके कुछ प्लगइन्स है, ऐसे कुछ डायरेक्ट एचटीएमएल सीएसएस पे पोर्ट कर लेता है एक पाको। अच्छा, और सर बेसिकली फिग्मा का मेन पर्पस ये है कि हमने जल्दी से डिजाइन बनाया, क्लाइंट को दिखा दिया कि आपको ये पसंद है या नहीं, देन हमने उसके फिर डेवलपमेंट शुरू कर दी। बेसिक पर्पस तो यही है ना हमारा? जी, बेसिक पर्पस यही है। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इसमें एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इसमें एनिमेशंस? फिग्मा के अंदर आप एनिमेशंस एनिमेट कर सकते हैं, बेसिक इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स आप बना सकते हैं, बहुत बेसिक एनिमेशन, बट बड़ी हाई फुल फ्लैश एनिमेशंस के लिए आपको लॉटी फाइल्स यूज करनी पड़ती है, उसका एक अलग मेथड है, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। हम एनिमेशन प्रोटोटाइपिंग करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको उसका भी समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। अच्छा सर, मेरा एक प्रपोजल था। प्रपोजल ये है कि आप हमें डिज़ाइन सिखाएं, और डिज़ाइन में कुछ सिखाने का अंदाज कुछ ऐसा हो कि हमारे अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, क्योंकि डिज़ाइन की क्लास यूजुअली थियोरेटिकल ज़्यादा होती है, और प्रैक्टिकल में जब आप टूल इस्तेमाल करें तो वो फिग्मा इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास बहुत कुछ हमें सिखाने को, लेकिन हम ना कुछ वेस्ट कर रहे हैं। थ्योरी से क्या मुराद है यार दोस्त, आप बताएं, थोड़ा एलाबोरेट करें। मैं तो आपको उसको पिकजैम यूज करके दिखा रहा हूँ प्रॉपर्ली, इसके बाद फिग्मा है। फिग्मा में हम डिजाइन ही इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। चले देखते हैं इसको, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मेरा इसमें एक सजेशन ये था कि हर क्लास के ना बिल्कुल आखिर में कोई 5 मिनट्स में आप कोई एक किसी वेबसाइट को एज अ डिज़ाइन केस लेके हमें उसके बारे में आप ही थॉट्स हैं कि उन्होंने ये वेबसाइट इस तरह क्यों डिज़ाइन की है, वो अगर हमें आप कोई अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है शेयर कर दें। मसलन कोई यूट्यूब की वेबसाइट है या फेसबुक की है, जो भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, उनमें से हर हफ्ते किसी एक वेबसाइट को लेके डिजाइन स्टडी के तौर पे आखिरी लास्ट 5 मिनट में आप हमें उसका डिजाइन अंदाज़ से जो आपने समझते हैं कि आप ऐसे क्यों ने डिजाइन किया वेबसाइट को, वो बताए तो हमें काफी उसे सीखने को मिलेगा कि जो इंटरनेशनल डिजाइन हैं वो इस तरह क्यों बनाए जा रहे हैं। यार बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेसिकली, सबसे पहले तो हमारे पास एक, देखिए मेरी लैंग्वेजों में और आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, आप डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, मैं डिजाइनर हूं। हमारा जो सेंट्रल यूनिफिकेशन पॉइंट आता है ना, कि हमें वो एक टूल तो कम से कम आए चलाना है, जिसे हम फिग्मा कहते हैं, कि ताकि हम डिजाइन लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ बात तो कर सके। अब अगर मैं आपके सामने शेप्स ड्रॉ करके जल्दी जल्दी, और मैं आपको मूड सेलेक्ट करा रहा हूँ, मैं एम्फेसिस कैसे होता है, सारे डिसिप्लिन दिखा रहा हूँ, तो आपको वो टूल्स कम से कम ऑपरेट करना तो आए। सबसे पहली जो क्वेश्चन ये कि हमें फिग्मा चलाना है प्रॉपरली, ठीक है, बाकी उसको यूज कैसे करना है वो इंशाल्लाह मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया था कि मैं लास्ट के कुछ सेशन जो है वो टोटली रेगुलरसली बेसिकली डिजाइन पर रखूंगा इंशाल्लाह, कुछ अगर जितनी क्लासेस अवेलेबल हो सकी हमें लास्ट में, तो वो टोटली डिजाइन से रिलेवेंट होंगी, उसमें टोटल डिजाइन के मीडियम से सब्जेक्ट होंगे, उसमें वेबसाइट की एग्जाम्पल होंगी, उसमें नेविगेशन स्ट्रक्चर की डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, टेबुलर बार्स क्यों डिजाइन किए जाते हैं, कब एक ऑडियंस यूज करना है, कब टैब यूज करना है, कब ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करना है, कब डाउन डाउन मेन्यू यूज नहीं करना, वो एक पूरा एक डिफरेंट मीडियम है, पूरा सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन उसके लिए हमें बेसिकली टूल चलाना आना चाहिए। तो बेसिक फोकस ये, अदरवाइज मैं टूल से स्विच होगा। देखें डिजाइन मैंने अगर पढ़ाना शुरू किया तो मुझे, मैं तो आपके साथ आपको 4 साल 5 साल पढ़ा सकता हूँ, मैंने 5 साल क्लासेस स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाया है, मैंने वर्चुअल क्लासेस नहीं, ऑनलाइन डिफरेंट इंटरनेशनल कुछ लेक्चर्स नहीं है मैंने, तो वो तो मैं 4 साल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो हम अपने फोकस टीम्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव उससे फोकस आउट हो जाएगा हमारा, तो प्रॉब्लम ये कि हम वो चीज़ सीख लें, उसके बाद एंड में जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम उसको देखें, उसके बाद अगेन अगर और ज्यादा हंगर हो तो हम और नेक्स्ट वर्कशॉप अरेंज कर लेंगे इस तरह की कोई छोटी सी। ठीक है, नहीं सर, मेरा इसमें यह था कि आप डिज़ाइन की बात भी नहीं करें कि आप उनको देखें हमें बताएं, कि मैं इसमें कहते हैं कोई वेबसाइट ओपन करके यूट्यूब की आप उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये बार यहाँ पे इन्होंने ब्लैक क्यों की है यहाँ पे, या ये वाइट क्यों है यहाँ पे, या ये लेफ्ट पे क्यों है, ये राइट पे क्यों नहीं है। मैं उस लिहाज से कह रहा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इस वेबसाइट में जो जो चीज़ डिज़ाइन हुई भी है वो ऐसे डिज़ाइन क्यों की गई है। अच्छा, उस लिहाज से मैं कह रहा था।
सर अमार अली। अच्छा अमार, अमार बात देखो दोस्त, बात ये है कि सिर्फ नेविगेशन बार नहीं है ना, मैं अगर तुमसे बोलूँ कि इसमें अकॉर्डिंग यूज हुआ है तो अकॉर्डिंग क्यों यूज हुआ है, अकॉर्डिंग पता होना चाहिए अकॉर्डिंग क्या है, टेबुलर बार्स क्यों यूज हुए हैं टेबुलर बार्स पता होना चाहिए कि क्यों है, फिर स्टिकी मेन्यूज क्या है, स्टिकी नॉन स्टिकी मेन्यूज क्या है, मतलब ये सारे डिजाइन पैटर्न हैं सारे के सारे जो हम यू आई यूएक्स को डिजाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि उसके लिए ये सब चीज़ें पता हो जरूर लाजमी कि यार ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने अगर स्टिकी मेन्यू यूज किया हुआ है या पैरालेक्स इफेक्ट यूज किया हुआ है वेबसाइट पे, वो ड्रॉ स्क्रॉल करता है बड़ा एक पैरालेक्स इफेक्ट आता है, तो पैरालेक्स इफेक्ट की जरूरत क्यों आई है वहाँ पे, उसके लिए पैरालेक्स इफेक्ट पता होना चाहिए, यानी ये सारे नॉर्म्स पता होने चाहिए, तब हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन और डिबेट कर सकते हैं कि कब कहाँ क्यों यूज हुआ हुआ है और इसकी जगह क्या यूज हो सकता था, लेकिन बेसिक वोकैबुलरी तो पहले 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 पता होना इसके लिए, वरना हम बेसिकली चीजों से आउट हो जाएंगे। तो यस ठीक है सर, ऐसे कर लो, ठीक है ना, ठीक जी, थैंक यू। इसके अलावा क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे पास यू आई यू एक्स का एक फिगमा डिजाइन दिया जाता है डेवलपर्स के पास, तो डेवलपर उसे देख के डेवलप करता है वेबसाइट को, तो सर इसमें मैंने पूछना ये था कि जो यू आई यू एक्स डिजाइनर है वो कोई चीज फिगमा में जैसे मेंशन करता है कि यहाँ पे फला एनिमेशन यूज होगी और यहाँ पे ये एनिमेशन यूज होगी, या कि वो डेवलपर की मर्जी होती है कि यहाँ पे मैंने कौन सी एनिमेशन यूज करनी है? डेवलपर की मर्जी, डेवलपर की कोई मर्जी नहीं होती है, टोटल डिजाइन जो है वो प्रॉपरली फुल प्रोटोटाइप करके दिखाया जाता है जी, डेवलपर को समझाया जाता है कि ये ऐसे होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू इस स्टाइल में आएगा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इसे कहते हैं, इस चीज को कहते हैं इंटरेक्शन डिजाइन, डिजाइन फिजिकल डिजाइन अलग होता है, फिर उसके बाद जो इंटरेक्शन होती है इंटरेक्शन डिजाइन अलग होती है, तो इंटरेक्शन डिजाइन पूरा यूजर ये डिजाइनर की जॉब होती है कि वो बगैर डेवलपर को समझाए कि भाई मुझे मेन्यू जब आएगा तो मेन्यू इस तरह लेफ्ट से स्क्रॉल होकर आएगा, सेंटर स्क्रीन पर आएगा, वो करके दिखाएगा बारे में, डेवलपर इसमें कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता, डेवलपर सिर्फ कोडिंग मेथड पर यूज करेगा कि कोडिंग मुझे कौन सी लैंग्वेज में कोड करना है, सर्वर टेक्नोलॉजी क्या रखनी है, क्लाइंट साइड क्या रखना है, क्लाइंट साइड पर कौन सी यू आई लाइब्रेरी यूज करनी है, ये डेवलपर की जॉब है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं बेसिकली वो यूज बताते हैं, लेकिन बेसिक डिजाइन डिजाइन के मामले में टोटल डिजाइनर का वो होता है कि डिजाइनर बताएगा क्या। मतलब मेरा जी सर, मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि वो मतलब डिजाइनर जो हमें वो बताएगा कि एनिमेशन कौन सी यूज करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो बताएगा, विजुअल एग्जांपल देगा। जी थैंक यू सर। और क्वेश्चन जी, बस लास्ट, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली ऐसे एंड कर लो वरना फिर हम सेशन एंड करें। सर व्हाट इज प्लगइन, प्लगइन क्या होता है इजी लैंग्वेज में अगर हम बता दें? प्लगइन एक ऐसा रूटीन सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का एक बेसिकली प्लगइन्स ये होता है कि आप एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके मेन सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेड होके उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को मजीद बढ़ाता है, एलैबोरेट करता है, तो एक छोटे स्निपेट्स होते हैं जैसे आप स्निपेट्स लिखते हैं, रूटीन्स लिखते हैं, इस तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रन नहीं होते, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं होते, बट वो आपके आपके मेजर सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होकर उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी, उस सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग मैकेनिज्म उसको बढ़ाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर हम एपीआई कहते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक एपीआई इज डिफरेंट थिंग, एपीआई एपीआई अलग चीज है, एपीआई इज अ रूटीन्स टू कनेक्ट योर प्रोग्राम सिस्टम टुवर्ड्स द मेन ऑब्जेक्टिव एरिया बेसिकली, लेकिन एपीआई अलग चीज है। प्लगइन जो होता है वो ज्यादातर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर फोटोशॉप का प्लगइन, तो फोटोशॉप इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, उसके साथ कोई इमेज प्रोसेसर जो है वो प्लगइन दिया हुआ है, रॉ इमेज प्रोसेसर दिया हुआ है, वही कंपनी ने बनाया, उस प्लगइन को आप जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको फोटोशॉप के अंदर ही नजर आता है, फिर जब उसको ओपन करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज का जब आप मनूवर करते हैं तो वो आपके सॉफ्टवेयर में उस इमेज की रिप्रेजेंटेशन देता है, तो दिस इज बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मेजर मेन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होकर अपनी उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को बढ़ाते हैं। एपीआई अलग चीज है, एपीआई तो सिंपल आपके पास प्रोग्रामिंग रूटीन्स होती है, कॉल साइंस होते हैं, इन कॉल साइंस को आप ऑब्जेक्ट्स करके आप
सर्वर्स की मैनिपुलेशन करते हैं, सर्वर्स पर डेटा फ्लो करते हैं या सर्वर से डेटा रिट्रीव करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। यानी सर मैं ये कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल अगर एक लाइफ एग्जांपल ले लें, एक यूनिवर्सिटी है उसमें जिम है और मतलब थर्ड पार्टी जो चीजें इन्वॉल्व कर रही है वो उसकी फंक्शनैलिटी को उसके ज्यादा बूम उसके अंदर लेकर आ रही है, तो उस तरह हम प्लगइन को भी कह सकते हैं कि यार इस वक्त फिग्मा है ना, फिग्मा आपको एपीआईज देता है जिन एपीआईज को यूज करके एक आप प्लगइन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास फिग्मा आपको एपीआईज देता है, उस एपीआईज को यूज करके आप फिग्मा का एक प्लगइन बना सकते हैं जो प्लगइन बहुत सारी फिग्मा की फंक्शनैलिटी नहीं है उसमें आप फिग्मा की फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करा दें, वो प्लगइन आप इटसेल्फ एक इटसेल्फ एंटिटी होती है जो कि फिग्मा के अंदर आपको प्लगइन्स के सेक्शन में नजर आती है, फिर चाहे आप उसको फ्री देखें दें चाहे आप उसको प्राइस मॉडल दें, तो वो यूजर जो है उसको पसंद आएगा तो वो बाय कर लेगा आपसे, उसके फिग्मा के प्लगइन में उसके सॉफ्टवेयर में नजर आएगा, फिर वो जब इम्पोर्ट कर लेगा। तो दिस इज समथिंग, तो एपीआईज आपको फिग्मा दे रहा है, उन एपीआईज को यूज करके आप प्लगइन्स बना दें। ये फ्री होते हैं या पेड होते हैं सर प्लगइन? दोनों होते हैं, पेड भी होते हैं फ्री भी होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव उसमें प्लगइन्स भी होते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं फ्री भी होते हैं। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि आप क्लास बहुत अच्छी रही, अगर आप हर क्लास के आखिर में एक असाइनमेंट दें ताकि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है उस बुनियाद पे हम आगे थोड़ा सा इन टूल्स को जो है ना वो प्रॉपरली यूज कर सकें और नेक्स्ट क्लास में जब आएं तो पिछले जो आपने पढ़ा है उसको हम कुछ जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस करके आए, तो अगर आप हर क्लास के आखिर में एक ये मेरी सजेशन है कि अगर आप एक असाइनमेंट दें तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह यार नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, जब फिग्मा स्टार्ट कर लेंगे ना तो मैं कुछ आपका असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह। बस सेशन पूरा हो गया जी जी, आई थिंक और किसी का कोई सवाल नहीं, ठीक है एंड करें सेशन जी जी, मैं लाइव में एंड कर देता हूं। चलो